नमि ऊणने मिचन्तं असहाय परक्रमं महावीरं सम्मत बन्धुदय सत्तचुत्तं ओघादेशे तवं ओच्चम्। उदय के प्रकरण में इंद्रिय मार्गणा में हम सवेरे देखा था अपन ने, एक इंद्रिय में उदयोग्य कितनी प्रकृतियां हैं, निकाले थे ना सवेरे, 80 प्रकृतियां उदयोग्य और 42 प्रकृतियां अनुदय रूप है, और द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय में जो है वो 81 एक एक बढ़ गए, उसमें अंगोपांग बढ़ गया है उदय में। हाँ कुछ कम हो गए और कुछ बढ़ गए उसमें, 5 कम हो गए 6 बढ़ गए उदय में, तो इसलिए 81 हुए। और पंचेंद्रिय में 114 उदयोग्य और 8 जो है अनुदय रूप है, ये प्रकृतियाँ निकाले थे, उसको गाथा के माध्यम से पढ़ना है। गाथा नंबर 306, 307 और 308 तीन गाथा। तिरिय अपुन्नम वे वे है क्या, वेगे है क्या, हाँ तिरिय अपुन्नम वेगे परघात चौक पुन्न साहरणम ए इंद्रिय जसथी नती थावर जुगलम च मिलिदौवम ऋणमंगो वंगतसम संहदि पंचखमेव मिह वियले अवणीय थावर जुगलम साहरणे यक्खमादावम किवत सदुग्गदि दुस्सर मंगो वंगम सजादि सेवट्टम ओघम सयले साहर निगि विगला दाव थावर दुगुणम। जो लब्धे पर्याप्त त्रियंच की प्रकृतियां बताई थी उसमें 71 उदयोग्य और 41 प्रकृतियां, 41 ने 51 प्रकृतियां जो है वो अनुदय रूप निकाले थे ना लब्धे पर्याप्त त्रियंचे में, वे ही प्रकृतियां यहाँ समझना उदयोग्य, उसमें जो विशेषता है वो बता रहे हैं यहाँ पर। उसमें परघाद चौक पुण्य साहरणम, लब्ध पर्याप्त में इसका उदय नहीं होता है, परघात उपघात उसका परघात उच्छ्वास आतपर उद्योत का, लेकिन पर्याप्त एक इंद्रिय अधिक में इसका उदय होता है, इसलिए उसको यहाँ लेना है। तो लब्ध पर्याप्त तिरंज की अपेक्षा से इसमें कम ज़्यादा वो बताया है। तो परघात चतुष्क पुण्य मतलब पर्याप्त और साधारण, एकेंद्रिय यश कीर्ति थीनति मतलब स्थान वृद्धि त्रिक स्थावर युगल मतलब स्थावर और सूक्ष्म, इनको मिले दवम उसमें मिलाना चाहिए, क्योंकि वह लब्ध पर्याप्त तिरंच में केवल पंचेंद्रिय ही लिया है, उसमें एकेंद्रिय अधिक नहीं लिए हैं, इसलिए इन सब प्रकृतियों को वहाँ यहाँ मिलाएंगे मतलब उस प्रकृतियों में मिलाएंगे। तो जो 71 प्रकृति है उसमें उदयोग्य, उसमें परघात चतुष्क पर्याप्त साधारण मतलब इतने हुए 6 और एक इंद्रिय 7 यश कीर्ति 8 स्थानत्रिक 3 मतलब 11 स्थावर युगल 15 मतलब स्थावर और सूक्ष्म 15 हो गए ना, हाँ परघात चतुष्क पर्याप्त साधारण मतलब 6 हो गए, एकेंद्रिय यश कीर्ति 8 हो गए, स्थानत्रिक मतलब 11 हो गए, स्थावर युगल 13 हो गए मतलब दो मिलाए, तो 13 प्रकृतियों का मिलाना चाहिए। और उसमें ऋणम अब उसमें कम करना, क्योंकि एकेंद्रिय वह क्या है लब्ध पर अब तक पंचेंद्रिय का एक किया है निकाला है, और यहाँ एकेंद्रिय का अपन निकाल रहे हैं, तो एकेंद्रिय में जिन जिनका उदय है उसको मिलाया,
अब उसमें से कम करना, अनुदय में लेना, 13 मिलाई, 71 में 13 मिलाई तो कितने हो गए, 84 हो गए, और उसमें से कम करना, क्या कम करना, ऋणम अंगोवंग तसम अंगोपांग नाम कर्म, इसका उदय एकेंद्रे में नहीं होता है। त्रस संहदि सवनन, सभी सवनन, 6 सवनन। पंचकम माने पंचेंद्रिय, ये प्रकृतियाँ क्या करना, उसमें से कम करना, तो ये कितने हो गए, अंगोपांग 1 और त्रस सवनन 6 मिला 8 और पंचेंद्रिय 9, तो 9 प्रकृतियों को, हाँ उसमें नहीं लब्ध पर अब तक तिरंच में 5 सवनन नहीं, उसमें लब्ध पर अब तक पंचेंद्रिय में 1 सवनन था, हाँ संवधि पंचक लिखा, हाँ पंचेंद्रिय लेना बराबर है, इसमें पंचेंद्रिय ये करना है, कम करना है, मुझे वो लगा कि पंचक ऐसा गलत हो गया। सवनन 5 ने, एक ही सवनन कम करना है, एक अंगोबांग, त्रस, सवनन, पंचेंद्रिय, इन 4 प्रकृतियों को क्या करेंगे, उसमें से घटाएंगे, 84 हुई थी ना, 71 में 13 जोड़े तो 84 प्रकृतियाँ हो गई, और उसमें से 4 कम की तो 80 प्रकृतियाँ हो गई, तो एकेंद्र में उदय की कितनी है, 80 प्रकृतियाँ है। एवं इह वियले, इसी प्रकार विकलत्रय में करना है, उसमें केवल क्या करना, वियले अवनीय थावर जुगलम साहरण एयख मादावम, विकलत्रय में स्थावर युगल, स्थावर और सूक्ष्म, साधारण, एकेंद्रिय और आतप, इनका उदय एकेंद्रिय में ही होता है ना, तो ये प्रकृतियाँ जो है 2 और 1 3 और 1 4 5, 5 प्रकृतियों को क्या करेंगे, उसमें हकम करेंगे, और उसमें 6 प्रकृतियाँ जोड़ेंगे अनुदय में से, अनुदय में ये 5 प्रकृतियाँ बढ़ाएंगे और 6 प्रकृतियाँ अनुदय में से कम करेंगे, मतलब उदय में लेंगे उसको, वो कौन कौन सी है, खीव, खीव मतलब क्षेपण करना, कौन कौन सी, तस मतलब त्रस दुग्गदी मतलब अप्रशस्त व्याय गति, दुस्वर अंगोपांग, सजाति मतलब अपने अपनी जाति लेना, द्विंद्र में द्विंद्र जाति, त्रिंद्र में त्रिंद्र जाति, चतुरिंद्र में चतुरिंद्र जाति, और सुरपाटिका संवनन, ये 6 प्रकृतियाँ उसमें से अनुदय में से घटाना मतलब उदय में बढ़ाना उसको, इनका उदय होगा द्विंद्रियाधिक पर्याय में, स्थावर युगल का उदय नहीं होगा इसलिए अनुदय में बढ़ाई, और उसमें 6 प्रकृतियों का उदय होगा इसलिए अनुदय में से घटाई तो उदय में बढ़ जाएगी, तो वहाँ सुरपाटी का संवनन, दुर्गति, दुर्गति क्या होती है, अप्रशस्त व्यागति के लिए शब्द आता है दुग्गदी, हाँ दुस्सर, ये कुछ उसके संतुष्टियाँ है वो ध्यान में रखना है उसको। इस प्रकार द्विंद्र तिंद्र चतुरिंद्र में 81 प्रकृतियों का उदय होता है और 41 प्रकृति का अनुदय है। अब पंचेंद्रिय में ओघम सयले, सयल मतलब पंचेंद्रिय में ओघ के समान है, उसमें क्या करना, केवल ये 8 प्रकृतियाँ कम करना है, साधारण, एकेंद्रिय, विकलत्रय, आतप, स्थावर द्विक, स्थावर और सूक्ष्म, ये 8 प्रकृतियों को कम करेंगे तो शेष बचे हुए 114 प्रकृतियाँ हैं वह पंचेंद्र में उदययोग्य है, पंचेंद्र में इनका उदय नहीं होता है। अपन सबरे उसका एकेंद्रिय, द्विंद्र, तिंद्र, चतुरिंद्र का गुणस्थान अपेक्षा से भी देखा था, और पंचेंद्रिय में भी बताया था कि पंचेंद्रिय में जो है उदय उच्चुति में केवल पहले दूसरे गुणस्थान में अंतर आएगा सामान्य अपेक्षा से। पंचेंद्रिय क्या है ना, आपके पास नोट्स होंगे तो 172 नंबर पेज है, उसमें पंचेंद्रिय का कोष्टक किया है, तो सामान्य कोष्टक के समान है लेकिन वहाँ पर केवल 8 प्रकृतियाँ कम हुई ना, इसलिए संख्या में फर्क होगा, और उदय उच्चुति में पहले और दूसरे गुणस्थान में, पहले गुणस्थान में सामान्य में कितनी प्रकृतियाँ हैं उदय उच्चुति की, नमिता दे दी, पहले गुणस्थान में
उदय उच्चति की कितनी प्रकृतियाँ होती हैं? नहीं, यहाँ दो है, लेकिन सामान्य अपेक्षा से पूछा, पांच की उदय उच्चति है, तो उसमें यहाँ मूल में ही वो निकाला हुआ है, सूक्ष्म, साधारण और अपर्याप्त। हाँ, क्योंकि यहाँ पंचेंद्रिय मार्गना है, इसलिए सूक्ष्म, साधारण, अपर्याप्त निकली हुई है। इसलिए दो ही अपर्याप्त है, सूक्ष्म, साधारण और आतप। सूक्ष्म, साधारण और आतप, ये पांच थी ना उसमें उदय उदय उच्चुति की, मिथ्यात्व, आतप, सूक्ष्म, साधारण और अपर्याप्त। इसमें अपर्याप्त तो है पंचेंद्रिय में, क्योंकि पंचेंद्रिय भी अपर्याप्त होते हैं, इसलिए अपर्याप्त उदय योग्य है। इसलिए पहले गुणस्थान में दो की उच्चुति होगी, कौन सी? मिथ्यात्व और अपर्याप्त की। और दूसरे गुणस्थान में पांच और दो सात होगी, और उसमें एक नरकान नरक गत्यान पूर्वी का उदय नहीं होता है दूसरे गुणस्थान में, इसलिए अनुदय में एक बढ़ेगी, तो कितने हो गए? आठ। और उदय 106 का, और विच्युति सामान्य गुणस्थान अपेक्षा से कितनी है? नौ है, लेकिन उसमें से पांच जो है वो पंचेंद्रिय मार्गना में है ही नहीं, एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय और स्थावर। नौ कौन कौन सी है दूसरे गुणस्थान में? अनंत, अनुबंधी, चतुष्क, एकेंद्रिय आदि चार जाति और स्थावर। सर, ऐसे गुणस्थान अपेक्षा बहुत सरल है, उसको याद रखना। हाँ, ये वो पक्का होना चाहिए, इसलिए कहना पहले उदय उच्चति सामान्य गुणस्थान अपेक्षा से, फिर उसमें मार्गनाव में जो विशेषता है उतना बताएंगे तो फिर समझ में आएगा। तो दूसरे गुणस्थान में यहाँ केवल चार अनंतानुबंधी चतुष्क की उदय विच्छुत्ति होती है, क्योंकि बाकी की प्रकृतियाँ उदय योग्य नहीं है, इसलिए। फिर आठ और चार 12 होते हैं, लेकिन तीसरे गुणस्थान में और दो अनुपूर्वी जो है, तीन अनुपूर्वी, मनुष्य गत्यानपूर्वी, तिरंज गत्यानपूर्वी और देव गत्यानपूर्वी, इनका उदय नहीं होगा, इसलिए क्या करेंगे? अनुदय में उसको बढ़ाएंगे, और उदय किसका आने लगा? मिश्र का, इसलिए उसको अनुदय में से घटाएंगे। जिनका उदय नहीं आता है उसको अनुदय में बढ़ाते हैं, और उदय आने लगा तो अनुदय में घटा करके उदय में बढ़ाते हैं उसको। तो मिश्र का उदय आने लगा इसलिए कम किया, तो 14, 8 और 4, 12 और 3, 15 होती है, लेकिन एक मिश्र कम करने से 14 होगी। और उदय 100 का, विच्छुत्ति 1 मिश्र की। बाकी सब शेष सब गुणस्थान के समान ही आगे, देखने की आवश्यकता नहीं ना अब आगे, पंचेंद्रिय मार्गना में सब गुणस्थान के समान, लेकिन गुणस्थान के एक बार मुझे सुनानी पड़ेगी आपको, उसके बिना आगे काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो यदि पक्का नहीं है तो फिर वो सब बोलते ना, उसका पया पक्का नहीं है तो फिर वो बिल्डिंग स्थिर नहीं रहेगी उसकी। उसको याद करना, आप घर में याद करना चाहिए था आपको, पहले उदय विच्छुति और सत्व विच्छुति मैंने तीनों बताया था, ठीक है। अभी आगे देखते हैं, अब अगले मार्गना है काय मार्गना। हाँ, वनस्पति भी कोई कोई होती है ना, इसे चमकेले वगैरह वनस्पति, हाँ, पेपरमेंट होता है, हाँ, असगदी, अब उस अपने को प्रकट रूप से समझ में आता है, क्योंकि हाँ नहीं, उस जल का एक जीव में ही, वो तो उसके निमित्त से हो गया वो अलग, लेकिन उसके शरीर में ही वो उद्यतनाम कर्म का उदय होगा, उसके मतलब कोई कोई पानी का ऐसा वो तेज प्रकाश होता होगा वहाँ, ऐसा हर बार क्या ऐसा वो चमकने वाला ही दिखेगा ऐसा नहीं, लेकिन हम्म
अभी तो कितने बहुत सारे वनस्पतियाँ ऐसे निकली है, नई नई वनस्पतियाँ करते तैयार, तो उसमें ऐसे पत्ते वगैरह से फूल उसके वो चमकीले हुए दिखते हैं। हाँ, मतलब जो करने योग्य कार्य वो वहाँ पर कर दिया है, अंतर्मूर्त मात्र उसकी स्थिति शेष रखी, उसमें उदीर्ण होने में कोई बाधा नहीं है। मतलब जैसे समझो कि इतनी स्थिति है, अब तो स्थिति का घात भले ही न करे, लेकिन उसमें हाँ वो उसकी उदीर्ण हो सकती है। एक आवली छोड़ करके, मतलब दो आवली शेष रहती है तब तक उदीर्ण होती है, और एक आवली और एक समय अधिक शेष रहता है तब तक उदीर्ण रह सकती है, और एक केवल आवली रहेगी तो उदीर्ण नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर चौदहवें गुण स्थान में वह होता ही नहीं है, ऐसा लिखा है। लाभकर्षण, उत्कर्षण, संक्रमण और ये उदीर्णा कुछ भी नहीं होती है। नहीं, स्थिति का समान का वगैरह प्रश्न नहीं है, अपने अपने में आकर के खिर सकते हैं ना, स्थिति घटाने की आवश्यकता नहीं उदीर्णा के लिए, अपकर्षण के लिए। लेकिन सकलकरण के अयोग्य ही बताए, मतलब वहाँ पर स्थिति समान होती है, लेकिन उसमें उदीर्ण होने में कोई बाधा नहीं है। मैं बोल रही हूँ स्थिति समान होने पर भी उदीर्ण करने से कोई स्थिति घटती नहीं है, कांडक घात करते तभी स्थिति घटती है, स्थिति कांडक घात करते तो नहीं होती, यही बताने ना उसमें हाँ हाँ नहीं, प्रदेश स्थिति अनुभाग किसी की उदीर्ण नहीं होगी। हाँ, अब चौदह गुण स्थान किसी की भी उदीर्ण नहीं होती है। हाँ, टाइम का भी कम का भी नहीं है, वो बहुत सारे उस पांच रस्व बोलने में भी बहुत सारी संख्या तावली होती है ना, तो कारण नहीं है। वह जरूरत नहीं होगी या उसके में योग्यता नहीं है वहाँ पर होने की। कहते हैं काय मार्गणा में के भी छह भेद होंगे, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक और त्रस का एक। इसमें पहले कुछ कठिन नहीं है, ऐसे इसमें निकालने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एकेंद्र की अभी निकाली हुई है। एकेंद्र में उदयोग्य कितनी है बताए थे अभी, 80 प्रकृतियाँ, और बाकी की 44 जो है वह वहाँ उदयोग्य, हाँ 42 प्रकृतियाँ उदयोग्य नहीं है। अब यहाँ एक पृथ्वी का एक लेंगे तो यहाँ पर केवल इतना समझना है, आतप, उद्योत और साधारण, इन तीन का उदय सब एक केंद्र में नहीं होता है पारमार्थिक। तो पहले पृथ्वी का एक है, हड़ू करा के हाँ, साधारण भेद जो है वो केवल वनस्पति का एक में है, इसलिए साधारण प्रकृति का उदय केवल वनस्पति का एक में होगा, पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का एक, वायु का एक में नहीं होगा। आतप का उदय केवल पृथ्वी का एक में होता है, तो अन्य कायिकों में उसका उदय नहीं होगा, इसलिए पहले पृथ्वी का एक लेंगे। तो पृथ्वी का एक में एकेंद्र की जो 80 प्रकृतियाँ हैं उसमें केवल एक कम करेंगे, साधारण कम करेंगे, उसमें पृथ्वी का एक में आतप का तो उदय रहता है, केवल साधारण का उदय नहीं रहता, तो साधारण कम करेंगे तो कितने रहे, 79, एक 80 में से कम हुई। फिर जल का एक में साधारण का भी उदय नहीं और आतप का भी उदय नहीं, तो दो कम हो जाएगी, तो 78 होगी, उसमें 80 में से दो कम करेंगे। फिर तेज का एक, तेज का एक में साधारण भी नहीं, आतप भी नहीं और उद्योत भी नहीं, क्योंकि अभी नियम आया था ना कि उद्योत का उदय उसमें तेज का एक, वायु का एक और साधारण वनस्पति का एक में नहीं होता है। तो तेज का एक में तीन प्रकृतियां कम करेंगे, साधारण, आतप और उद्योत,
वायु का एक में भी वैसा ही करेंगे, उसमें भी वे तीन प्रकृतियां कम करेंगे, तो उसमें भी उदय योग्य कितनी होगी 77 और अनुदय 45 प्रकृतियां होगी। फिर वनस्पति का एक में साधारण का तो उदय रहता है और उद्योत का भी उदय रहता है, लेकिन आतप का उदय नहीं रहता है, तो 80 में से एक कम करेंगे, एक केंद्र की जो 80 प्रकृतियां उसमें से एक आतप कम करेंगे तो 79 प्रकृतियां उदययोग्य है और 43 प्रकृतियां जो है वो उदययोग्य नहीं है। और त्रसक एक में केवल एक केंद्र में उदय में आने वाली जो है वो कम करेंगे, स्थावर सूक्ष्म साधारण आतप और एकेंद्रिय, ये पांच प्रकृतियां है, उसका उदय त्रसकायिक में नहीं होगा, बाकी सब प्रकृतियों का उदय वहां रहता है त्रसकायिक में, तो 117 प्रकृतियों का उदय रहेगा त्रसकाय में। त्रस में द्विंद्र तिंद्र चतुरिंद्र भी आते हैं ना, पंचेंद्र मार्गना में क्या हुआ था 114 थी, उसमें द्विंद्र तिंद्र चतुरिंद्र कम किया था, या त्रसकाय में द्विंद्र त्रिंद्र चतुरिंद्र भी आते हैं, इसलिए केवल एकेंद्र संबंधी कम की त्रसकाय में, तो एकेंद्र संबंधी पांच प्रकृतियां हो गई, स्थावर सूक्ष्म साधारण एकेंद्रिय और आतप, ये पांच कम की, तो 122 में से पांच कम हो गए तो कितनी हो गई 117 प्रकृतियां हो गई। पहले क्वेश्चन वहां तो यहाँ ये अब यहाँ एक लगाएंगे पुनस्थान की अपेक्षा से, पृथ्वी का एक में उदयोग्य कितनी है 79 है, 79 बोलते हैं ना उसको, उसमें भी अब जो दूसरा गुणस्थान है वहाँ मरण करके एक केंद्र में जाता है, तो कौन कौन से एक केंद्र में जाता है उसका नियम बताया है, साधारण वनस्पति का एक में जल का एक में तेजस का एक में अग्नि वायु का एक में वह उत्पन्न नहीं होता है, लब्ध पर अब तक में भी उत्पन्न नहीं होता है, इसमें अब गाता है शायद इसमें अपर्याप्त साधारण काय सूक्ष्म तेजस काय और वायु का एक में उत्पन्न नहीं होता, एक केंद्र में गया तो भी केवल पृथ्वी का एक में जल का एक में और प्रत्येक वनस्पति में ही उत्पन्न होता है, इसलिए यहाँ पर पृथ्वी का एक में दो गुणस्थान लेंगे तो वहां पहले गुणस्थान में 79 में से 10 की विच्युति होगी, तो 10 की विच्युति क्योंकि क्योंकि यहाँ पर केवल पर्याप्त अवस्था में ही पहला एक ही गुणस्थान रहेगा, अपर्याप्त अवस्था के अपेक्षा दो गुणस्थान बताए हैं निवृत्त पर्याप्त की अपेक्षा से, इसलिए अपर्याप्त संबंधी जो ये है उसकी विच्युति, अपर्याप्त संबंधी जो विच्युति है मतलब पहले गुणस्थान में उसकी विच्युति करेंगे, क्योंकि दूसरे गुणस्थान में निवृत्त पर्याप्त अवस्था होगी तो वहां पर परघात आतप उद्योत, आतप का तो होता ही नहीं है वहां पर, स्थान वृद्धि त्रिक परघात उद्योत और उच्छ्वास, इसकी उदय इच्छुति क्या होगी पहले गुणस्थान में होगी, क्यों हुई पहले गुणस्थान में इसका कारण समझ में आया ना, अपर्याप्त अवस्था में ही दूसरा गुणस्थान होता है, तो जिनका उदय पर्याप्त अवस्था में ही पाया जाता है ऐसी प्रकृतियां जो है उसकी उच्छुति पहले गुणस्थान में की, क्योंकि परघात दूसरे गुणस्थान में वह गया एक केंद्रीय में तो अपरघात का उदय रहेगा क्या उसको, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था छोड़ने के पहले वह दूसरा गुणस्थान उसका छोड़ करके पहले गुणस्थान में चला जाएगा, इसलिए वह अपरघात का उदय नहीं होगा, उच्छ्वास का भी उदय नहीं होगा, स्थान वृद्धि त्रिक का उदय नहीं होगा, और कौन सी पर स्थान वृद्धि त्रिक परघात उद्योत और उच्छ्वास, ये छह प्रकृतियां ये बढ़ाएंगे इसमें, और जो मूल पहले गुणस्थान में चार है वो तो है ही, मिथ्यात्व आतप सूक्ष्म अपर्याप्त, साधारण इसमें है ही नहीं, पृथ्वी का एक है ना ये, तो साधारण पहले निकाल दी है, उसका अर्थ ही हो ना अगले गुणस्थान में जिसका उदय नहीं है उसके पहले गुणस्थान में उच्छित्ति के, नहीं पहले गुणस्थान में उदय है ना उसका, पहले गुणस्थान में उदय है तो अनुदय में कैसे आएगी, उस गुणस्थान में जिसका उदय नहीं होता है वो अनुदय के कॉलम में आता है, और अगले गुणस्थान में जिसके उदय नहीं रहता है वो विदय उच्छित्ति के कॉलम में आता है,
तो अनुदय में और उच्छुत्ति में अंतर है ना, वहां पर उदय नहीं, मुंह पहले में ही उसकी उच्छुत्ति करनी पड़ेगी, इसलिए पहले में की है। और दूसरे गुण स्थान में 10 का अनुदय, उदय 69 का, क्योंकि 79 में से 10 कम हुए तो 69 का उदय रहेगा। और 6 की उदय उच्छुत्ति होती है, क्योंकि अंतर्णबंदी कषाय एक इंद्रिय और स्थावर, इनकी उच्छुत्ति वहाँ दूसरे गुण स्थान में होगी, 6 लिए ना वहाँ पर, अनंतानुबंधी कषाय एक इंद्रिय स्थावर, बाकी के क्यों नहीं लिए, विकलत्र यहाँ नहीं है क्योंकि पृथ्वी का ही जीव का चल रहा है, इसलिए द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय तो इसमें होगा ही नहीं, तो इसलिए 6 प्रकृतियों की यहाँ उदय उच्छुत्ति हुई। उसी प्रकार पृथ्वी कायिक के समान ही जल कायिक में होगा, केवल जल कायिक में मूल में ही अपन ने क्या किया, 79 प्रकृति, उसकी 78 प्रकृतियां है, मूल में से ही अपन ने आतप को निकाल दिया है, इसलिए वहां पहले गुण स्थान में 10 की जगह 9 की उदय उच्छुत्ति होगी, और दूसरे गुण स्थान में जैसा है वैसा 6 की उच्छुत्ति होगी। फर्क केवल कितना हो गया, आतप नाम कर्म का यहाँ उदय नहीं है, इसलिए एक प्रकृति कम हुई। अब वनस्पति कायिक में भी दूसरा दो गुण स्थान है, तो उसमें पहले गुण स्थान में 10, जैसे पृथ्वी कायिक में 10 कम किए, वैसे यहाँ पर भी 10 प्रकृतियां कम करेंगे, लेकिन इसमें साधारण आएगी, सूक्ष्म आतप नहीं आएगा इसमें, वनस्पति कायिक में आतप की जगह साधारण प्रकृति लेना, फर्क समझ में आया होगा। दूसरे गुणस्थान में वैसा ही है, 6 की विच्युति है, केवल पृथ्वी कायिक और वनस्पति कायिक में अंतर इतना है, पृथ्वी कायिक में आतप लेना और वनस्पति कायिक में साधारण लेना, ये पहले भी वही आगे नहीं होता है ना, दूसरे गुणस्थान में वो जाता नहीं है, मतलब जो दूसरा गुणस्थान वर्ती मरण करके सूक्ष्म में लब्धे पर्याप्तक में पैदा नहीं होता है, इसलिए उसकी उच्छति पहले गुणस्थान में ही की है, पहले सामान्य अपेक्षा से भी वही पर हुई है ना, सूक्ष्म साधारण और अपर्याप्त की उच्छुत्ति पहले गुणस्थान में होती है, क्योंकि दूसरा गुणस्थान वर्ती मरण करके वहाँ उत्पन्न नहीं होता है। आयु बंध किया हुआ जीव है, पहले आयु बंध तिरंचय उसने बांधी हुई है, हाँ, और वहाँ पर चौथे गुणस्थान में प्रथम सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ, और वहाँ से दूसरे गुणस्थान में आया तो वहाँ उसका मरण हो करके तिरंचय गति में चला गया, तो वहाँ एक इंद्र में भी चला जा सकता है। कैसे विशुद्धि थी उसकी, मतलब सम्यक तो उत्पन्न के तीन करण परिणाम की विशुद्धि, और प्रथम अवसर सम्यक तो किया तो कितने असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा की, और तुरंत मतलब मेरे एक सेकंड भी बहुत बड़ा है, समय समयों में कैसे परिणामों में बदल होता है, परिवर्तन होता है, ये यहाँ समझ में आता है। हाँ वही मिथ्या तो मैं किया ना, उसने आयु बंद, हाँ प्राप्त कर सकता है, इसलिए और उसमें भी स्पष्ट आएगा फिर, और मैं क्यों बोल रही थी अभी, इसलिए एक आचार्य की अपेक्षा से वो जाता भी नहीं है ऐसे, मतलब वो तो सम्यक तो की ये महिमा थोड़ी कम लगती है ना, ऐसे इतने सम्यक तो किया और दूसरे गुणस्थान में गया, तो दूसरे आचार्य वो उसको मान्य नहीं करते हैं, जाता नहीं ऐसा कहते ना, केंद्र में और विकलत्र में। दूसरे गुणस्थान में गया हुआ जीव दूसरे गुणस्थान में मरण करके एकेंद्र में या विकलत्र में नहीं जाता है, ये दो आए ना अभी मत, तिरुषभ आचार्य और बुद्ध भले आचार्य का, कौन सा सही अपने को पता नहीं है, ठीक है, इसको गाथा से पढ़ते हैं। त्रस काय का रह गया ना अपना लगाना,
त्रस्काय में भी क्या होगा, सामान्य के समान सब कोष्टक लगेगा, उसमें संख्या में केवल अंतर आएगा। पहले गुण स्थान में अनुदय पांच, कौन कौन से अनुदय पांच बताओ नमिता दीदी, एक मिनट, अनुदय पहले गुण स्थान में पांच प्रकृतियां आती है आपको केवल, हाँ नहीं नहीं पहले गुण स्थान में पांच प्रकृति का अनुदय बताए ना, तीर्थंकर, आहारक द्विग, सम्यक्त्व और मिश्र, अनुदय पांच प्रकृतियों का बताए ना, वो इसका अनुदय रहेगा। और विच्छुत्ति वहां पर त्रसकायिक है, इसलिए एकेंद्र संबंधी प्रकृति उसमें है ही नहीं है, ऐसा आप ख्याल में लेना। तो कितने रहेगी वहां पहले गुण स्थान में, केवल दो ही रहेगी, एक मिथ्यात्व और अपर्याप्त। अपर्याप्त का उदय पांचवें इंद्रियों में रहता है ना, त्रस में भी रहता है, इसलिए मिथ्यात्व और अपर्याप्त दो की क्या होगी, उदय विच्छुत्ति होगी। और दूसरे गुण स्थान में पांच और दो सात हुए, और वहां पर किसका उदय नहीं आता है, नियम में क्या बताया, नरगत्यान पूर्वी का उदय दूसरे गुण स्थान में नहीं है। त्रस में चारों गतियां है ना यहाँ पर, तो नरगत्यान पूर्वी का उदय नहीं होगा, तो वहां आठ हो गया अनुदय में, उदय में 109 और विच्छुत्ति कितनी की होगी, सात की होती है। वह द्विंद्र त्रिंद्र चतुरिंद्र है ना, त्रसकाय में द्विंद्र त्रिंद्र चतुरिंद्र है, इसलिए अनंतानुबंधी चार और द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय ये तीन प्रकृतियां, इस प्रकार सात प्रकृतियों की विच्छुत्ति होगी। आठ और सात कितने होते हैं, 15। 15 में वहां पर अनुपूर्वी तीन बढ़ाएंगे तो कितने हो गए, 18, और एक मिश्र का उदय आने लगेगा। इतने करना है वहां, तीसरे में अनुपूर्वी जितनी भी होगी उसको निकालना है, मतलब अनुदय में लेना, और मिश्र का उदय आने लगता है। तो 18 में से एक कम किया तो 17 प्रकृतियों का अनुदय रहेगा, और उदय सौ का विच्छुत्ति एक मिश्र की रहेगी। चौथे गुण स्थान में 17 और एक 18 होते हैं, और 18 में से अब कितने उदय में आने लगे, चारों अनुपूर्वी का उदय होता है, तो चार प्रकृतियां अनुदय में से कम हुई और एक सम्यक्त प्रकृति, इस प्रकार पांच प्रकृतियां अनुदय में से कम होगी। तो 13, 18 में से पांच कम हुई तो 13 प्रकृतियां जो है, 13 प्रकृतियां उसका क्या होगा, अनुदय होगा। चार का 117 में से 13 गए, 104 का उदय, विच्छुत्ति 17 की, जो अपने सामान्य गुण स्थान में बताई वही 17 प्रकृतियां यहाँ आएगी, क्योंकि चारों गति है ना यहाँ पर, इसलिए उसकी अपेक्षा से अप्रत्याख्यानावरण चार कैसे आए बोलो एक बार। न भक्त संगताल पाहिजे 17, ये याद करना चाहिए। अभी थोड़ा सा हम जल्दी लेने में ये करते हैं, नहीं तो पूरा घोटन होना चाहिए उसका, और हर एक को आना चाहिए। नरगत्या वैक्रेक षटक, हाँ दैवायु नरकायु, अनुपूर्वी मनुष्य गत्यानुपूर्वी तेरेंच गत्यानुपूर्वी, दुर्भग अनादेय अयश कीर्ति। चौथे में थोड़ी ज्यादा है प्रकृति, बाकी सब में तो कम है प्रकृतियां। तो 13 और 17 कितने हो गए, 30। 30 का पांचवे गुण स्थान में अनुदय, उदय 87 का, विच्छुत्ति पांचवे गुण स्थान में 8 की, कौन सी बताओ, हाँ तेरेंच गत्यान पूर्वी नहीं बोलना है, तेरेंच गति तेरेंच आयु उद्योत और निज गोत्र, इस प्रकार आठ प्रकृतियों की यहाँ उदय विच्छुत्ति होती है। 30 और 8 38, छठे गुण स्थान में किसका उदय आता है, आरक द्विग का उदय आने लगा, इसलिए 36। हाँ नहीं हो जाएगा अभी एक बार उसको ये करने के लिए, नहीं हो जाएगा उसके कुछ चिंता नहीं, ये हाँ छठे गुण स्थान में कितना हो गया, 36 का उदय अनुदय हो गया, 81 का उदय और 5 की विच्छुत्ति, फिर 36 और 5 41, बाकी सब वहाँ आगे कुछ बदल नहीं है, सामान्य गुण स्थान के समान ही सब होगा। सातवें में 4, आठवें में 6, नौवें में 6, दसवें में 1,
ग्यारहवें में दो, सोलह बारहवें में सोलह, तेरहवें में तीस और चौदहवें में बारह। इस प्रकार सामान्य गुणस्थान के समान है, पहले केवल पहले गुणस्थान में और दूसरे गुणस्थान में उदय उच्चुक्ति में अंतर है, बाकी सब सरल है। अब योग मार इसकी गाथा पढ़ते हैं काय मार्गणा की। एयम वापण काये नहि साहरण मिनम च्यादावं दुसुतद्दुगमुज्जोवं कमेन चरिमम्मि आदावं। एयम वापण काये एकेंद्र के समान ही पांच काय में है, नहि साहरणम इनम च आदावम, क्रम से लगाना, पृथ्वी का एक में साधारण नहीं, फिर दूसरे जो जल का एक है उसमें आतप नहीं, दुसु मतलब तेज का एक और वायु का एक में वे दोनों भी नहीं, साधारण और आतप नहीं है, उसमें भी नहीं है, जल का एक में भी साधारण नहीं है और उद्योत भी नहीं है, किसमें तेज का एक और वायु का एक में, कमेन चरिमम में आदाव। इस प्रकार क्रम से लगाना, पृथ्वी का एक, जल का एक, तेज का एक, वायु का एक और चरिमम में मतलब वनस्पति का एक में आदावम न मतलब आतप नहीं है, ऐसे क्रम से लगाना। पांचों काय का इसमें बता दिया संक्षेप में। और त्रस काय का तो 310 नंबर की गाथा में बताया। साहरणे यताव मतोघम मनवयन सत्तगे नहीं ताविगि विगलम चथावरानुचौ। ओघम तसे, ओग के समान ही त्रस कायिक में है, उसमें केवल न थावर दुग साहरण एय तावम, स्थावर द्विक मतलब स्थावर और सूक्ष्म साधारण एकेंद्रिय आताप ये नहीं है, इन प्रकृतियों का उदय नहीं है। कितने हो गए, आठ होने चाहिए ना, स्थावर द्विक साधारण एकेंद्रिय आतप, हाँ पांच पांच ही नहीं है बराबर, 117 का उदय है। और मनवयन सत्तगे, इसमें आगे योग मार्गणा आई, मनयोग और वचन योग, तीन वचन योग लेना इसलिए सात लिया, चार मनयोग है और चार वचन योग है, इसमें से एक अनुभव वचन योग का अलग है, इसलिए तीन वचन योग और चार मनयोग का समान है, तो एक में लिया उसको। तो मनयोग और इसके अनुभव वचन योग का अलग है, क्योंकि उसका उदय द्विंद्रिय से लेकर है, अनुभव वचन योग में द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय और सौध्नि पंचेंद्रिय सभी जीव आएंगे, हाँ बाकी के वचन योग नहीं है द्विंद्रिय अधिक में। और चार मनोयोग तीन वचन योग, इसमें नहीं ताविगी विगलम च थावराणुचौ, इसमें आताप एकेंद्रिय विकलत्रे स्थावर अनुपूर्वी और अनुपूर्वी चतुष्क ये नहीं है, इसको थोड़ा निकालते योग मार्गणा को अपन बोर्ड पर। पहले है चार मनोयोग और तीन वचन योग, इनका एक समान लेना है। तो मनोयोग और वचन योग किस में पाया जाता है, त्रस जीव में पाया जाता है और हाँ पंचेंद्र जीव में, वचन योग द्विंद्र से वो यहाँ पर ले आने, ये जो तीन वचन योग है सत्य असत्य और उभय ये केवल पंचेंद्र में ही पाए जाएंगे सौध्नि पंचेंद्र में, इसलिए इनका अलग लिया। तो इसमें जब मनोयोग रहता है तब कायोग नहीं रहता है, तो वहाँ पर और मनोयोग और वचन योग पर्याप्त अवस्था में ही पाया जाता है, इसलिए जो पर्याप्त अवस्था के पहले उदय आने योग्य प्रकृतियाँ हैं उनका यहाँ पर उदय नहीं होगा। जैसे अनुपूर्वी है वो विग्रह गति में उसका उदय होता है, और जो एक केंद्रीय चार जाति है उसमें वो ये मनोयोग वचन योग नहीं होता है तो वो नहीं होगी, और एक केंद्रीय संबंधी जो है वो भी निकल जाएगी क्योंकि एक केंद्रीय में भी मनोयोग वचन योग नहीं है। इसलिए तो कौन कौन से निकलेगी, एक केंद्रीय आदि चार जाति, यदि चार जाति और अनुपूर्वी चारों, क्योंकि अनुपूर्वी का उदय विग्रह गति में ही होता है, आतप
आता बे केंद्र में है इसलिए नहीं लिया। फिर स्थावर, सूक्ष्म, साधारण और अपर्याप्त। स्थावर चतुष्क ले सकते हैं इसको, हा? स्थावर चतुष्क। तो कितने हो गए, चार और चार आठ, और एक नौ, और एक चार तेरह। तेरह प्रकृति का उदय मनोयोग और वचन योग में नहीं होगा, बाकी शेष 109 प्रकृतियों का यहाँ पर उदय पाया जाता है। 122 में से 13 कम किए तो कितने हो गए, 109। अब आगे केवल अनुभव वचन योग लेना है। इसका उदय द्विंद्र से लेकर के है, इसलिए एकेंद्र संबंधी इसमें नहीं होगी प्रकृतियां। और विग्रह गति के अनुपूर्वी का तो उदय केवल कर्मन का योग में, बाकी किसी योग में अनुपूर्वी का उदय नहीं है। मनोयोग, वचन योग, अवधारिक का योग, वैकरिक का योग, ऐसा कोई भी नहीं है। तो इसमें से जो अनुपूर्वी है चार, उस वो तो है ही, उस पर ऊपर अनुभव। हाँ, इसमें द्विंद्र, त्रिंद्र, चतुरिंद्र का उदय है, इसलिए यहाँ अनुदय में से तीन घटाएंगे। तो कितनी होगी, 10। मतलब 13 में से तीन कम किए, कौन से, द्विंद्रिय आदि, मुझे विकलत रहे, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय और चतुरिंद्रिय, एक कम किए जाती तो अनुदय में 10 हुई और उदय में तीन बढ़ेगी तो 112 हो जाएगी। फिर उसके बाद औदारिक का योग। औदारिक का योग केवल कहाँ होता है, मनुष्य और तिर्यंचों में ही पाया जाता है, देव और नारकियों में पाया नहीं जाता है। तो देव नारकी संबंधी सब प्रकृतियाँ यहाँ निकल जाएगी, वह एक रेख षटक, नरकायु, देवायु, और अनुपूर्वी का तो उदय यहाँ पर भी नहीं होगा, चारों अनुपूर्वी। आहारक द्विक का भी उदय नहीं होगा क्योंकि औदारिक का योग में आहारक का नहीं होता है, आहारक सम जब है तो वह आहारक का योग ही रहेगा, या मनोयोग वचन योग रह सकता है, लेकिन कायोग होगा तो वह आहारक का योग ही होगा। अपर्याप्त प्रकृति का उदय नहीं, ये बताया। तो अपन निकालते हैं यहाँ पर वैक्रियक, षटक, दो आयु, मतलब मनुष्यायु और देवायु, देवायु और नरकायु, मनुष्यायु ने, देवायु और नरकायु, अनुपूर्वी चारों, ये भी वैक्रियक षटक निकाला के, हाँ अनुपूर्वी चार, हाँ, और यहाँ आहारक द्विक भी नहीं होगा, और ये है ना आहार औदारिक का योग, तो यहाँ अपर्याप्त आहारक के दो होंगे, अपर्याप्त का उदय नहीं रहेगा। और कितने हैं यहाँ पर, 24 है ना, मिश्र और उसका नहीं, 24 नहीं, 13 ही है, 13 दो और अनुपूर्वी ले, चार अनुपूर्वी, लेकिन हाँ चार नहीं, या दो ही लेनी पड़ेगी क्योंकि दो इसमें आ गए ना वैकरिक षटक में, तो 6 और 2 8 और 2 10, 2 12 और एक 13, 13 का ही अनुदय है यहाँ पर भी, और उदय 109 का है। अब औदारिक मिश्र का योग, तो औदारिक मिश्र का योग केवल अपर्याप्त अवस्था में ही होता है, निवृत्त पर्याप्त और लब्ध पर्याप्त अवस्था में होता है, तो इसमें और मनुष्य और तिर्यंच कोई होगा तो देव और नारकीय संबंधी तो यहाँ निकलेगी ही, ये जो ऊपर है उसमें से अपर्याप्त छोड़ करके ये तो आएगी सब प्रकृतियां 12, ऊपर की 12 लिखते हैं उसमें, एक 13 में से एक अपर्याप्त कम करो, और इसमें और क्या क्या जोड़ेंगे, जो पर्याप्त अवस्था में ही जिनका उदय होता है, स्थान, गुरुति, त्रिक, परघात, उच्छ्वास, उद्योत, उद्योत, आतप, आतप भी आएगा ना इसमें औदारिक मिश्र का युग में, उसका उदय नहीं रहेगा। संवनन का भी उदय नहीं रहता है, संवनन भी नहीं, संवनन का तो रहता है शरीर के साथ में, वह संवनन संस्थान का उदय चालू हो जाता है, इसलिए वो नहीं आएगी। मिश्र गुणस्थान नहीं होगा औदारिक मिश्र का योग में, इसलिए मिश्र नहीं होगा।
स्वर और व्याहय गति, इनका भी उदय अपर्याप्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, इसलिए उनका भी उदय नहीं होगा। तो क्या आएगा यहाँ पर, ये 12 है, इसमें स्त्यानत्रिक परघात चतुष्टय लेना क्या, परघात उच्छ्वास आतपर उद्योत, परघात चतुष्क मतलब चार लेना, सवनन का उदय चालू हो जाता है। जब शरीर का उदय चालू हो गए ना, उसके साथ में सवनन संस्थान का उदय चालू हो जाता है, शरीर का भी उदय चालू हो जाता है। स्थान वृद्धि परघात चतुष्क और मिश्र, मिश्र स्वर का उदय नहीं रहता है, स्वर द्विक व्यायोगति द्विक, व्यायोगति दो, कितने हो गए, 12 और 3 15, 15 और 4 19, 20, 20 और 2 22 और 2 24, तो 24 प्रकृतियों का उदय औदारिक मिश्र में नहीं होगा, अनुदय में रहेगी, और शेष 98 प्रकृतियों का उदय होगा। अब इस प्रकार वैक्रियक का योग, वैक्रियक का योग केवल देव और मनुष्य, देव और नारकी के पर्याप्त अवस्था में होगा। तो वहां पर मनुष्य और तिरंजय गति संबंधी जो है उन प्रकृतियों को निकालेंगे वैक्रियक का योग में, और एकेंद्रिय संबंधी विकलत्रय संबंधी सब प्रकृतियां वहां पर निकल जाएगी। तो कितनी है वो, 36 प्रकृतियां हैं इसमें। स्त्यानत्रिक का उदय भी देव और नारकियों को नहीं होता है, स्त्यानत्रिक, और तिर्यंच गति संबंधी 11 प्रकृति, तिर्यग एकादश की 11 प्रकृति, और आयु तो तीनों भी लेंगे ना, दो लेंगे मनुष्य और देवायु, और अवधारिक शरीर अवधारिक अंगोपा, मनुष्य और तिरंचाई दो आएगी, आयु आयु दो मतलब मनुष्य और तिरंचायु, और इसमें जो अवधारिक द्विक एकेंद्रियादि चार जाति लेते ना पहले, एकेंद्रियादि एक तिर के एकादश में सब आ गए ना इसमें, हाँ मनुष्य द्विक औदारिक द्विक, औदारिक द्विक आहारक द्विक, तीर्थंकर विकलत्र ह्याच्यामध्ये आले की तिरेक एकादश मध्ये आले, तीर्थ करेक और सवनन का लहरेगा ना, छह सवनन और चार संस्थान लेने पड़ेंगे, क्योंकि नरक, नरक में कुंडक संस्थान होता है और देव में समचतुर्थ संस्थान होता है, पहला और आखिर का छोड़कर के बीच के चार संस्थान, चार संस्थान, हाँ छह सवनन, सवनन और उसमें से तो तिरेक एकादश में आई हुई है प्रकृतियां, स्थावर सूक्ष्म साधारण सब उसमें है, दो आयु दी है ना यहाँ पर, हो गए ना इसमें, हो गए हाँ। और वैग्रह का योग में दो अनुपूर्वी का देव नग, देव गत्यानपूर्वी और मनुष्य नरगत्यानपूर्वी का भी उदय नहीं होगा, तो तिरे गत्यानपूर्वी तो यहाँ आ गई है, इसलिए अनुपूर्वी और मनुष्य गत्यानपूर्वी इसमें आ गई है, तो देव और नरक गत्यानुपूर्वी, गत्यानुपूर्वी इसका उदय भी नहीं होगा। तीर्थंकर, तीर्थंकर लिया कि इसमें, हाँ अलग से लेना पड़ेगा ना, तिरेक में नहीं आएगा, अपर्याप्त। तो कितने हुए, 3 और 11 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18,
दो 20 22 23 23 और 4 27 27 और 6 33 33 और 2 35 और 1 36 हो गए बराबर। 36 प्रकृतियों का उदय नहीं होता है तो शेष बची हुई कितनी है 86 86 प्रकृतियों का उदय वहाँ होता है वैकरिक का योग में। ऐसे अपने दिमाग से पहले निकालो तो फिर पक्का ध्यान में रहेगा कौन कौन सी प्रकृति का उदय नहीं होता है क्यों। हाँ मतलब वो अपने दिमाग में बैठ जाता है कि इन इन प्रकृतियों का यहाँ यहाँ उदय नहीं होता है। खाली शास्त्र मिलेगा वहाँ अपन पढ़ते जाएंगे तो कुछ ध्यान में नहीं रहेगा। उस तरफ से हाँ उसमें क्या है उसमें भी सरल है ऐसा घात्य कर्म में से कौन सी कम है वो निकाल करके 47 सब घात्य कर्म है तो इसमें से केवल स्थान वृद्धि त्रिक जो है वो कम की है तो 47 में 3 कम गए 44 आ गई। और अपने आयु और वो तो एक फिक्स है देवायु नरकायु है इसमें 2 आयु है और 2 गोत्र जो है दोनों है एक नरगति की अपेक्षा एक देवगति की अपेक्षा से वेदने भी 2 है तो 6 हो गई। और नाम कर्म की तो 29 प्रकृतियाँ रहती है ना वह भाषा पर्याप्ति स्थान में 29 प्रकृतियाँ रहती है वो सब आएगी इसमें। हाँ ठीक है। अब वैकरेक मिश्र का योग है यहाँ पर लिखना नहीं होगा। वैकरेक मिश्र का योग अपर्याप्त अवस्था में ही होता है तो वहाँ जो पर्याप्त अवस्था में उदय आने वाली है वो प्रकृतियाँ यहाँ नहीं होगी तो 36 में और बढ़ाएंगे हम 36 का तो उदय नहीं होगा और उसमें 7 और बढ़ जाएगी। मिश्र प्रकृति का उदय अपर्याप्त अवस्था में नहीं है। परघात का उच्छ्वास का विहायु गति का स्वर का उदय इसमें नहीं है तो देव और नर गति की अपेक्षा से दोनों है ना वहाँ पर विहायु गति 2 है स्वर 2 है और परघात तो 36 में क्या करेंगे यहाँ 7 मिलाएंगे। कौन कौन सी 7 मिलाएंगे मिश्र परघात उच्छ्वास और 2 वायु गति और 1 स्वर 2 स्वर वायु गति 2 और स्वर 2 ऐसा 7 प्रकृति मिलाएंगे तो यहाँ 43 प्रकृति का उदय नहीं रहता है 1 2 3 और वो 4 7 प्रकृतियाँ हो गए और उदय यहाँ पर 7 कम हो जाएगी उदय में से तो 79 प्रकृतियों का उदय होता है। अब आहारक का योग और आहारक मिश्र का योग जो छठे गुण स्थान में उदय योग्य है वे आहारक का योग में उदय योग्य हो जाएगी ना उसमें केवल क्या होगा छठे गुण स्थान में आहारक का योग के समय में स्थान हाँ छठे गुण स्थान में उदय योग्य 81 प्रकृतियां है लेकिन उसमें स्थान वृद्धि त्रिक इसका उदय आहारक मिश्र का योग में नहीं होगा आहारक का योग में भी नहीं है। आहारक का योग में नपुसक वेद नहीं स्त्री वेद नहीं औदारिक द्विक नहीं सवनन नहीं उसको ऊपर का निकालते हैं यहाँ पर योग इसमें जो 81 प्रकृतियां है छठे गुण स्थान में उसमें से 20 माइनस करना है तो कितने होगी यहाँ 61 का अनुदय और 61 का उदय होता है तो ये 20 प्रकृतियां कौन कौन सी है तो स्त्यान त्रिक हाँ 2 वेद नहीं रहेंगे स्त्री वेद और नपुसक वेद ये 2 वेद नहीं है और यहाँ औदारिक द्विक का उदय नहीं रहेगा औदारिक शरीर औदारिक अंगोपांग नहीं है हाँ आहार का योग में नहीं ऐसा लेंगे आहार का योग में नहीं है इसमें औदारिक के अभी था ना औदारिक के परमाणु ग्रहण नहीं करता है उस समय मतलब औदारिक शरण नाम कर्म का उदय होगा तो फिर आहार वर्गना ही ग्रहण हो जाएगी ना वहाँ पर लेकिन वहाँ पर औदारिक के आहार वर्गना ग्रहण नहीं करता है
उसका केवल परिशातन ही होता है, मतलब निर्जरा ही होती है। हाँ नहीं, तो हाँ इसलिए औदारिक शरीर औदारिक अंगोपांग वो आहार की अपेक्षा से जो पुतला निकला हुआ है ना, तो वहाँ कहाँ औदारिक है वो शरीर, वहाँ औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय नहीं है और औदारिक अंगोपांग का भी उदय नहीं है उसमें। इसलिए औदारिक द्विक भी निकालेंगे और सवनन भी नहीं है उसका, इसलिए सवनन छ उसमें सवन ही नहीं है, जैसे देव और नारकियों में सवन नहीं होता है, उसके सवन हड्डी वगैरह ऐसा कुछ नहीं है वहां पर, देखने के लिए पुतले पुरुष जैसा पुतला दिखता है लेकिन उसमें सवनन नहीं है। संस्थान केवल समचतुरस्र संस्थान ही होता है उसका, तो पांच संस्थान और जो ये है अप्रशस्त व्यावगति दुस्वर इनका भी क्या होगा, उदय नहीं होगा। पांच संस्थान, अंतिम पांच संस्थान लेना, संस्थान पांच, हाँ अप्रशस्त व्यायोगति और दुस्वर। हाँ दुस्वर क्या बोल रहे, हाँ तो वचन योग भी बताया ना वहाँ पर आहारक का योग में, मतलब आहारक शरीर जब निकलता है तो उसमें मनोयोग वचन योग भी होता है, तो स्वर भी हो सकता है उसमें, मतलब वो जीव और वो आहारक शरीर अलग नहीं ना, वो जीव विपाक की जो प्रकृति है उसका जीव के ऊपर उदय होगा ना वहाँ पर, शरीर संबंधी जो है वो उस शरीर के साथ में उदय होगा, लेकिन शरीर नहीं तो जीव विपाक है तो वो जीव एक ही है ना वहाँ पर, आहारक शरीर में और औदारिक शरीर में दो जीव अलग नहीं है। तो 61 ये प्रकृतियाँ हो गए, तो ये हो गए क्या 20, 3 और 1 4 5, 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 और 5 18, 19 और 20 एक कम किए यहाँ पर। आहारक मिश्र का योग, आहारक मिश्र का योग में और जो पर्याप्त अपर्याप्त अवस्था में जिनका उदय नहीं होता है वो भी और निकल जाएगी, तो परघात उच्छ्वास पर प्रशस्त व्यायोगति इसमें और चार बढ़ाएंगे 61 में अनुदय में, चार और बढ़ेगी, कौन सी है, परघात उच्छ्वास प्रशस्त व्यायोगति यहाँ पर है उसको यहाँ पर निकालेंगे, उच्छ्वास प्रशस्त व्यायोगति और सुस्वर इनका भी उदय वहाँ नहीं रहेगा आहारक मिश्र में, तो यहाँ अनुदय में 65 होगी और उदय में 4 यहाँ एकम हो जाएगी ना, 57 हो जाएगी। अब रहा केवल एक कर्मण का योग, कर्मण का योग में चारों गतियां है, सब अनुपूर्वी भी है यहाँ पर, क्योंकि अनुपूर्वी का उदय यहीं पर होता है कर्मण का योग में सब है। इसमें पर्याप्त अवस्था में जो उदय आने वाली है वो प्रकृतियाँ नहीं होगी और शरीर भी नहीं होगा, क्योंकि शरीर का उदय तो विग्रह गति के बाद चालू होता है ना, इसलिए शरीर के निकालेंगे सब, तो मिश्र प्रकृति का उदय कर्मण का योग में नहीं रहेगा, मोहनीय में स्थान वृद्धि त्रिक का उदय नहीं रहेगा और जो पर्याप्त अवस्था में उदय में आने वाली, हाँ औदारिक द्विक वैक्रियक द्विक और आहारक द्विक तीनों भी निकलेंगे इसमें कर्मण का योग में, औदारिक द्विक वैक्रियक द्विक और आहारक द्विक।
ये सब निकलेंगे और संस्थान का भी उदय नहीं होगा यहाँ, और संवनन का भी उदय नहीं होगा। संस्थान छे, संवनन छे, प्रघात उद्योत उच्छ आतप उद्योतर उच्छ्वास, चारों का उदय यहाँ नहीं रहेगा। प्रघात चतुष्क और यहाँ जो विहायुगति दो उसका भी उदय नहीं रहेगा और स्वरद्विक का भी उदय नहीं रहेगा। ये मुझे कुछ याद नहीं, आपको लगेगा कि याद हो गया है, वो दिमाग से निकाल रहे हैं इसको, इस प्रकार वो नहीं रहेंगे। और कुछ क्या नहीं रहेगा, शरीर का उदय नहीं है ना, तो प्रत्येक और साधारण का भी उदय नहीं होगा। पांच घेत लिया उसमें उप, हाँ उपघात का उदय वहाँ होता है ना कर्मण का योग में, पर परघात आतप उद्योत उच्छ्वास उपघात का भी उदय नहीं होता है शायद। हाँ नहीं होता है, हाँ नहीं है, वो जब शरीर धारण करता है तो वहां पर चालू हो जाता है। परघात का उदय पर्याप्त होने पर है और उपघात का उदय शरीर धारण करने पर पहले समय से है। विग्रह गति में नहीं है, बराबर है। उपघात आदि पांच लेना है, तो ऐसे अपनी गलती अपने को समझ में आती है, अपन अपने दिमाग से निकालते हैं तो तो उपघात का उदय विग्रह गति में नहीं है, जब शरीर का उदय चालू होता है तो वहां पर चालू होगी, और परघात तो पर्याप्त होने पर चालू होगी। प्रत्येक शरीर और साधारण शरीर भी नहीं, क्योंकि जब वह विग्रह गति से शरीर धारण करता है तब एक साथ वह चालू हो जाता है, प्रत्येक या साधारण शरीर, संस्थान, संवनन और ये। तो यहाँ पर प्रत्येक और साधारण, मतलब प्रत्येक साधारण शरीर, हाँ चालू होते हैं। तो कितने हो गए, एक मिश्र, तीन चार गुरुदेव के में चार हो गए, चार और दो छः, छः और दो आठ, आठ और दो दस, दस और छः और छः, मतलब दस और छः बारह, बत्तीस हो गए, बाईस क्या, बाईस हो गए। फिर ये पाँच, सत्ताईस और दो उनतीस, उनतीस और दो इकतीस और दो तैतीस, तैतीस ये है ना, तैतीस का अनुदय रहता है धर्मन का योग में, विग्रह गति में इनका उदय नहीं है। और शेष जो है इक्यानवे ना, हाँ नवासी प्रकृतियों का उदय रहेगा, तो ये कर्मन का योग में। अब इसको गुणस्थान के, हाँ आपके नोट्स में मालूम है, इसमें हमारे डबल हो गया है पेज, आगे का पेज 176 पेज लेना है। मनोयोग और वचन योग, इसमें गुणस्थान की अपेक्षा से थोड़ा ही अंतर आएगा, इसमें जो मूल में पहले और दूसरे गुणस्थान में जो है वही फर्क आएगा। मनोयोग और वचन योग में कुल उदय योग्य कितनी है, 109 प्रकृतियां है उदय रूप। अब इसमें से 109 में से पहले गुणस्थान में अनुदय कितना है, जो हमेशा गुणस्थान में है वही है, पांच का अनुदय है, 104 का उदय रहेगा। और विच्छुत्ति यहाँ पर केवल मिथ्यात्व की रहेगी ना, क्योंकि मूल में ही प्रकृतियाँ सब नहीं है, निकाली हुई है, एक केंद्रीय संबंधी और सब पहले ही नहीं है, तो पांच एक और छः हो जाएगा। और अनुपूर्वी भी यहाँ निकली हुई है, अनुपूर्वी का उदय भी यहाँ नहीं है, इसलिए घटाना बढ़ाना कुछ नहीं है यहाँ पर, तो एक छः कम हुई तो यहाँ 103 प्रकृतियों का उदय होगा। और विच्छुति दूसरे गुणस्थान में चार अनंत अनुबंधी की, और कोई प्रकृति है ही नहीं ना यहाँ पर, मनोयोग वचन योग भी, फिर छः और चार दस, और यहाँ पर हमेश्वर का उदय आने लगेगा, इसलिए यहाँ 9 होगी, बाकी 100 प्रकृतियों का उदय होगा।
सामान्यतः जो सामान्य सब गांव है वहाँ पर सौ का उदय आता है तीसरे में, और चौथे में 104 का आता है, लेकिन यहाँ पर ये होगा और तीसरे में एक विच्युति, चौथे गुण स्थान में 9 और 1 10 का, और उसमें समेत तो प्रकृति का उदय आने लगेगा, इसमें 9 ही रहेगी, यहाँ उदय भी 100 का ही रहेगा। और विच्युति जो है उसमें पहले जो 17 प्रकृतियाँ हैं उसमें से हाँ मनोयोग और वचन योग में वो नहीं है, क्या नहीं है, अनुपूर्वी नहीं है, तो चारों अनुपूर्वी कम करो केवल, क्योंकि 17 में चारों अनुपूर्वी है, देवगत्यानुपूर्वी, तिरंज गत्यानुपूर्वी, नारगत्यानुपूर्वी सभी हैं। अब चार अनुपूर्वी कम करो 17 में से तो 13 बचेगी, कौन कौन सी 13 बची, चार अप्रत्याख्यानावरण कषाय, देवगति देवगत्यानुपूर्वी नहीं लेना, नरगति देवगति, वैक्रेक शरीर, वैक्रेक अंगोपांग, देवायु नरकायु, और दुर्भग अनादेय और ऐशक कीर्ति, ये 13 प्रकृतियाँ रहे। अब आगे सब गुणस्थान के समान है, बाकी विच्युति में कोई अंतर नहीं है, वहाँ पर पांचवे में 8 की विच्युति, फिर छठे में वहाँ मनोयोग और वचन योग है ना, तो इसमें आहारक द्विक का, अब उसमें मनोयोग वचन योग रहता है, मैंने बताया ना, आहारक शरीर, आहारक जब शरीर निकलता है तो उसमें मनोयोग और वचन योग बीच में हो सकता है, इसलिए मनोयोग वचन योग में उसका उदय है, इसलिए गुणस्थान की अपेक्षा आएगा, कुछ भेद नहीं होगा। छठे में 5 की उच्छुत्ति, सातवें में 4 की उच्छुत्ति हो सकते हैं, अपवाद नहीं, मतलब होता है, मतलब योग बदलता है ना, आहारक का काल बड़ा है, आहारक शरीर जो निकला हुआ उसका अंतर्मूर्त, और योग का काल छोटा है, तो उसमें आहार का योग बदल करके मनोयोग होगा, मनोयोग बदल करके वचन योग होगा, वापिस आहारक का योग होगा, जब का योग होगा तो आहारक का योग होगा, औदारिक का योग नहीं होगा उसमें, हाँ सामान्य की तरह ही है। लेकिन यहाँ पर जब आहारक शरीर का योग मतलब बाहर रहेगा तो भी उसके बीच में मनोयोग वचन हो सकते हैं, उस समय आहारक कायोग ने, आहारक शरीर तो निकला हुआ रहेगा ही, लेकिन आहारक कायोग नहीं कहेंगे उस समय, आहारक कायोग नहीं होगा। तो ये गुणस्थान की विच्युति सब होगी, 8वें में 6 9वें में 6 वगैरह, हाँ कुछ अंतर नहीं है। अब अनुभव वचन योग का देखते हैं अपन, जो गड़बड़ है सब पहले दूसरे में और उसमें ही होती है। अनुभव वचन योग में उदय योग्य प्रकृतियां कितनी बताए, 112 बताए, एक सौ बारह अनुभव वचन योग के गुणस्थान, इसमें गुणस्थान केवल 12 ही लगाना, मनोयोग नहीं, इसमें 13 भी लगाएंगे, ऐसे उपचार से 13 भी गुणस्थान है मनोयोग और वचन योग में, और अनुभव वचन योग भी 13वें गुणस्थान तक है। इसमें असत्य मनोयोग और उभय मनोयोग, उभय असत्य वचन योग और उभय वचन योग, ये 12वें गुणस्थान तक होगा, और सत्य मनोयोग और अनुभव मनोयोग, सत्य वचन योग और अनुभव वचन योग 13वें गुणस्थान तक होता है, इसलिए गुणस्थान 12 और 13 आएंगे। अब यहाँ 112 में से अनुभव वचन योग है तो इसमें जैसे सामान्य में वैसा ही है, 5 का अनुदय उदय, 111 का विच्युति, 1 मिथ्यात्व की, हाँ 112 में से 5 गए, 107 हो गए विच्युति, 1 मिथ्यात्व की आएगी, 5 और 1 6 हो गए, या तो अनुपूर्वी है ही नहीं इसलिए 6 रहेंगे, और 106 का उदय होगा। तो दूसरे गुणस्थान में विच्युति केवल 4 अनंतानुबंधी की और विकलत रहे ना इसमें अनुभव वचन योग में, इसलिए 7 की विच्युति होगी, ये 112 में विकलत रहे हैं, इसलिए अनंतानुबंधी 4 और विकल द्विंद्र तेंद्र चतुरेंद्र ये विकल 3, इस प्रकार 7 प्रकृतियों की विच्युति होगी। और तीसरे गुणस्थान में 6 और 7 13 13 में से 1 मिश्र का उदय आने लगेगा तो 12 का अनुदय होगा, 100 का उदय और 1 की उदय विच्युति, 12 और 1 13
यह समय तो प्रकृति का उदय होने लगेगा, इसलिए 12 की 12 ही रहेगी, परसों का ही उदय रहेगा। अब चौथे गुण स्थान में विच्छुत्ति वही जो मनोगर वचनों की थी वही है 13, अनुपूर्वी का उदय नहीं है, बाकी सब आगे गुणस्थान के समान है। अब अवतारिक का योग, अवतारिक का योग में उदय योग की प्रकृतियां कितनी बताई, 109। अवतारिक का योग में उसमें वो देवगति वगैरह के कम है ना प्रकृतियां, हाँ तो वो कम हो जाएगी, तो उदय योग्य प्रकृतियां है 109 है, 109 है ना। हाँ, अवतारिक का योग इसमें पहले गुण स्थान में अनुदय 5 का ही होगा, अवतारिक कायोग। हाँ, आहारक द्विक पहले निकला हुआ है ना इसमें, अवतारिक कायोग में आहारक द्विक का आहारक का उदय नहीं है, इसलिए मिश्र सम्यक्त्व और तीर्थंकर ये 3 का अनुदय होगा, उदय 106 का, विच्छुत्ति यहाँ पर नहीं, सब आएंगे ना, एकेंद्र में भी अवतारिक कायोग है ना, इसलिए सब गुण स्थान के समान ही यह विच्छुत्ति होगी, क्योंकि एकेंद्र जो भी कायोग में आते हैं इसलिए 4 होगी, मिथ्यात्व आतप सूक्ष्म और साधारण, आतप नहीं मिथ्यात्व सूक्ष्म अपर्याप्त नहीं है, औदारिक आयोग में अपर्याप्त नहीं है ना, पहले 5 है ना गुणस्थान की अपेक्षा से, तो उसमें 1 कम की केवल अपर्याप्त कम किया, क्योंकि औदारिक आयोग में अपर्याप्त है नहीं प्रकृति, औदारिक आतप ये 4 की विच्छुत्ति होगी, 3 और 4 7 होते हैं, फिर यहाँ उदय 102 का और विच्छुत्ति यहाँ पर 9 की, अनंतानुबंधी चतुष्क स्थावर और एकेंद्र आदि 4 जाते हैं, जो सामान्य यहाँ पर केवल अपर्याप्त कम हुआ, इतना ही फर्क हुआ, क्योंकि अपर्याप्त नहीं है उसमें, 7 और 9 16 में से एक मिश्र का उदय आने लगेगा, इसलिए 15 का अनुदय और 94 का उदय होगा, और यह तीसरे गुण स्थान में विच्छुत्ति अवतारिक का योग है ना, तो इसमें देव और नरक संबंधी पहले निकली हुई है, तो इसमें केवल अप्रत्यक्षण और चतुष्क है, दुर्भग अनादेय और अयश्य कीर्ति 7 ही होगी ना, क्योंकि बाकी तो सब पहले निकली हुई अवतारिक आयोग में है नहीं, वैक्रेक षटक देवायु नरकायु और त्रिरंजक अत्यंतपुरी, हाँ मैं 4th गुणस्थान ही घटित कर रहा हूँ, 15 और 1 तीसरा गुणस्थान है, वहाँ मिश्र की उच्चुत्ति होगी, 15 और 1 16 में से सम्यक्त प्रकृति का यह उदय आने लगेगा, इसलिए 15 ही रहेगी, 94 का ही उदय रहेगा, और यहाँ 13 की नहीं 7 की उच्चुत्ति होगी, अप्रत्याख्यान 4 कषाय और दुर्भग दुस्वर और दुस्वर ने दुर्भग अनादेय और यश अयश, इन 7 प्रकृतियों का ही विच्छुत्ति होगी, क्योंकि बाकी के जो 10 प्रकृतियां हैं उसका यह उदय नहीं है, वैक्रिय षटक देवायु नरकायु और नरगत्या मनुष्य कत्यानपुरी और तिरंज कत्यानपुरी, इनका उदय पहले से निकला हुआ है, बाकी सब गुणस्थान के समान ही होगा, आगे विच्छुत्ति में कोई अंतर नहीं है, यहाँ पर 15 और 7 वगैरह सब जोड़ करके आ जाएंगे वो। हाँ, छठे में जो 5 विच्छुत्ति वहाँ पर 3 ही होगी, क्योंकि छठे में 22 और यहाँ लिख देते अपन, यह उदय योग्य कितनी होगी 80, हाँ नहीं 109 में से 22 कम करेंगे ना, हाँ 87 है, 83 दिशा लग लगना 87 और 5वें में, हाँ 4 अणों में से 7 कम किए तो 87 रहे, और 5वें में 8 की विच्छुत्ति होगी, फिर 22 और 8 30
और यहाँ हरक द्विक है नहीं, इसलिए कुछ घटाना नहीं है, तीस की होगी। और यहाँ जो है 79 क्या उदय रहेगा, और विच्युतियाँ 3 की होगी, सामान्य में 5 की होती है, वहाँ 3 की होगी, 3 स्थान अतिरिक्त की, बाकी सब 33 और 3 33। आगे सब जो है विच्युति 7वें में 4 हैं, 8वें में 6, 9वें में 6, 10वें में 1, वो ही रहेगी। 13वें गुणस्थान तक लगाएंगे अनुभव वचन योग। अब औदारिक मिश्र का योग, औदारिक मिश्र का योग में उदयोग्य प्रकृति 98 है मिश्र, इसमें गुणस्थान औदारिक मिश्र में 1, 2, 4, और 13 चार ही गुणस्थान होंगे, 4 और 13। तो पहले गुणस्थान में मिथ्या सम्यक तो मिश्र तो है ही नहीं, औदारिक मिश्र में मिश्र का उदय नहीं है, तो सम्यक तो और तीर्थंकर का उदय हो सकता है, लेकिन यहाँ पहले गुणस्थान में नहीं होगा, अनुदय है। 98 में से 2 अनुदय में आए तो 96 का उदय है। अब पहले गुणस्थान में विच्छुत्ति कितनी होगी, 4 की, कौन सा नहीं है इसमें, आतप नहीं है, क्योंकि औदारिक मिश्र में आतप का उदय नहीं होता है। पहले अपन औदारिक का योग में अपर्याप्त को कम किया था, यहाँ आतप को कम करना, मतलब मिथ्यात्व सूक्ष्म साधारण और अपर्याप्त, इनकी विद्युति होगी यहाँ जो पहले गुणस्थान में, क्योंकि आतप का यह है नहीं, इसलिए एक कम हो गया। फिर 4 और 2 और 4 6 का यह अनुदय होगा, और उदय 92 का होगा, और यहाँ उदय विच्छुत्ति जो है अनंतानुबंधी 4 और एक केंद्रीय और स्थावर, मतलब जो और आगे जिसका उदय नहीं आता है, ऐसे प्रकृतियों के भी यहाँ उदय विच्छुत्ति करेंगे। स्त्रीवेद का उदय 4 में नहीं है औदारिक मिश्र में, और नपुसक वेद का भी उदय नहीं है, इसलिए स्त्रीवेद और नपुसक वेद की उदय विच्छुत्ति यहीं पर हो जाएगी। और दुर्भग अनादेय और ऐश कीर्ति का उदय औदारिक मिश्र में नहीं है 4 में, इसलिए मैं उस दिन बोल रहे थे क्या, मतलब नरक गति की अपेक्षा से और अपर्याप्त अवस्था में उसका उदय नहीं है यहाँ पर। औदारिक मिश्र में दुर्भग अनादेय और ऐश कीर्ति का 4 गुणस्थान में उदय नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर 9 निकलेंगे ना, भाववेद भी नहीं होता है ना 4 गुणस्थान में। औदारिक मिश्र का योग में स्त्रीवेद में स्त्रीवेद नहीं होता है, प्लस स्त्रीवेदी मरण करके समय दृष्टि मरण करके स्त्रीवेदी में पैदा नहीं होता है, भाव स्त्रीवेदी में हमेशा अपने दिमाग में आता है वो द्रव्य स्त्री नहीं होता ऐसा लगता है, पुरुष हो करके भी वो भाव से भी पुरुष ही होगा, भाव से स्त्रीवेदी नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर जो गुणस्थान की 9 है वो रहेगी, और उसमें 5 बढ़ाएंगे, कौन कौन सी 5 बढ़ाएं, स्त्रीवेद नपुसक वेद का है लेकिन वैकरिक मिश्र का योग में रहेगा इसका उदय, औदारिक मिश्र का योग में नपुसक वेद नहीं रहेगा, क्योंकि नपुसक वेद केवल नरक गति की अपेक्षा से ही बताए जाते गुणस्थान में अपर्याप्त अवस्था में। और दुर्भग दुर्भग दुस्वर है, दुस्वर ने अनादेय और अयश, 4 में औदारिक मिश्र में उसका उदय नहीं रहेगा। मतलब ऐसे अपर्याप्त अवस्था में क्या उसका कि मतलब दुर्भग वगैरह ऐसे कुछ, हाँ एक तो स्वर्ग से आएगा 4 गुणस्थान लेकर के मनुष्य में,
नहीं, नरक में से भी आ सकता है, नरक में से भी चौथे में आ सकता है, लेकिन उस समय ये दुर्भग उसका उदय नहीं रहता, ऐसा बताया है। तो यहाँ 14 प्रकृतियों के उदय विच्छेद बताए, 14 और 6 कितने होते हैं 20, 20 प्रकृति और उसमें संयुक्त प्रकृति का उदय आने लगता है, तो 19 का यहाँ अनुदय रहेगा और उदय 79 का, 98 से 19 गए तो 79 रहे, और यहाँ चौथे गुणस्थान में विच्छुति जो होगी, आगे 13वें गुणस्थान ही आया ना डायरेक्ट, तो जो 5वें 6वें 7वें 8वें में जो है वो सब आएगी, तो यहाँ चौथे गुणस्थान में उदय विच्छुति वाली प्रकृतियाँ कितनी हैं 17 प्रकृतियाँ हैं, लेकिन उसमें बाकी की जो प्रकृतियाँ वो औदारिक मिश्र में है ही नहीं, वैक्रिय षटक देवायु नरकायु और गत्यानुपूर्वी ये औदारिक मिश्र में से मूल में से निकाली हुई है ना, तो 17 में से कितनी बचे केवल 4 और 3 है उसको भी यहाँ निकाला है दुर्भगाना दे ऐश कीर्ति, तो चौथे गुणस्थान की केवल 4 ही प्रकृतियाँ बची है 17 में से। समझ में आ रहा है ना, 17 प्रकृतियों में से वैक्रिय षटक देवायु नरकायु तिरंच गत्यानुपूर्वी मनुष्य गत्यानुपूर्वी दुर्भग इनका तो उदय इसमें है ही नहीं, और दुर्भग अनादेश का विच्छुति दूसरे गुणस्थान में हो गई, तो 4 ही बची है चौथे गुणस्थान की, 5वें गुणस्थान के 8 है उसमें से उद्योत का उदय यहाँ नहीं होता है, वो पैमूल में निकाली हुई है, तो 7 प्रकृतियां रही। 6वें गुणस्थान की 5 है उसमें से आरक द्विक नहीं है, तो 3 स्थान वृद्धि त्रिक को भी निकाला है पहले हुए, इसलिए 6वें गुणस्थान के कुछ शेष नहीं रहे। 7वें गुणस्थान की 4 है, 8वें गुणस्थान की 6 है, 9वें गुणस्थान की अवे दो वेद औदारिक मिश्र में इस यहाँ पहले निकाले ना स्त्री वेद और नपुसक वेद, इसलिए दो वेद भी गए हुए हैं, तो 4 रह गए 9वें गुणस्थान के। 10वें गुणस्थान की 1, 11वें गुणस्थान की 2, और 12वें गुणस्थान की 16, 13वें गुणस्थान की 13वें गुणस्थान में विच्छुति हो, हाँ चौथे में करना है ना अपने को, चौथे में तो इतनी होगी 7 और 4 11 और 4 15 और 6 21, 21 और 4 25 और 1 26 27 28 28 और 16 44 प्रकृतियों की यहाँ बंद विच्छुति है, उदय विच्छुति होगी चौथे में, क्योंकि आगे 13वें में इनका उदय नहीं है, इसलिए यहाँ पर विच्छुति की। 44 और 19 कितने हो गए 63, लेकिन एक तीर्थंकर प्रकृति का यह उदय आने लगेगा, इसलिए 62 का अनुदय, 36 का उदय, और यह विच्छुति 36 की है। हाँ वो आगे का गुणस्थान नहीं है ना, इसलिए वहाँ वही पर करते हैं ये विच्छुति, अंतिम में करते नहीं, ये उपचार ही है वास्तव में, आगे गुणस्थान ही नहीं है तो वहाँ विच्छुति कहने का मतलब यहाँ तक इसका उदय रहता है इतना ही है। छाय समय तो को वो समय तो मार्गना में आएगा ना, शोभशम समयत्व को चौथे गुणस्थान में तीनों समयत्व में आएगा ना, उसमें सामान्य कथन है, तो चौथा गुणस्थान जहां जहां जिस जिस वहां पाया जाएगा वो सभी प्रकृति शामिल हो जाएगी ना उसमें, उसको नहीं होगा, लेकिन चौथे गुणस्थान में होगा कि नहीं ये बोला अब, यहाँ तो चौथा गुणस्थान देखना है ना, शायद सम्यक तो है ऑप्शन में सम्यक तो नहीं देखना है, उस गुणस्थान में वो उदय योग्य है कि नहीं है प्रकृति, तो जो सम्यक ऑप्शन में समय दृष्टि का चौथा गुणस्थान है इसलिए सम्यक तो प्रकृति का भाव उदय रहता है, सामान्य अपेक्षा से लेना है ना, उसमें सभी गर्भित है तो जो जो संभव है सब लेना है। अब ये 36 है, इसमें जो 42 प्रकृति है ना उसमें वो
छह प्रकृतियों का कम करना है। स्वरद्विक वो पहले औदारिक मिश्र में उसका उदय नहीं है, स्वरद्विक व्यायोगतिद्विक परघात और उच्छ्वास ये छह प्रकृतियां हैं, इनका उदय वहां पर मिश्रावस्था में नहीं रहता है, इसलिए पहले निकाली हुई है। तो 42 में से ये छह कम हुई है। 42 प्रकृतियां होते हैं ना तेरहवें गुण स्थान में उदय योग्य, उसमें से छह प्रकृति निकालो, कौन सी? स्वरद्विक व्यायोगतिद्विक परघात और उच्छ्वास। इच्छ कम कर तो 42 जो रही है वो निकलेगी प्रकृतियां। अब रह गया कर्मण का योग, नहीं वैकृत भी रह गए ना अभी, वैकृत का योग वैकृत मिश्र का योग गठित करना है। इतनी गाथा पढ़ते क्या? पर हाँ, वो आरक का तो उस छठे गुण स्थान एक ही है तो उसमें कुछ लगाना नहीं है। हाँ उसका योग मार्गणा में अपन उदय उदय विच्छुत्ति देख रहे थे, उसमें सामान्य अपेक्षा से जो है वो अपने निकाला है, मतलब योग में उसमें गाथा ही पढ़ना है। 311 नंबर की गाथा है, वच्छिवियल जुदा ओघ मुरालेन हार देवाउ, वेगु वच्छक नर तेरी यानु अपजत निरयाउ। वियल जुदा उसमें विकलत्रय को जोड़ना, मतलब उसका उदय होगा, और ओघम मतलब उसमें अन्य मनोयोग और वचन योग से इतनी विशेषता हुई, उसमें तीन का उदय होगा, और औदारिक का योग में ओग के समान है, केवल उसमें न हार देवाऊ, उसमें आहरक द्विक देवायु वेगु व छक्क मतलब वैक्रियक षटक मनुष्य अनुपूर्वी तिरंचानुपूर्वी अपर्याप्त और नरकायु, इन प्रकृतियों का उदय नहीं है। किसमें? औदारिक का योग में। ये विशेषता बताई सामान्य के समान, और उसमें से ये 13 प्रकृतियां कम करना है। अब आगे औदारिक मिश्र में बताते हैं, गाथा नंबर 312 है, दो गाथाएं है 312 और 313। तमिसे पुण्य जुदा नमिस्सथी नतिय सर्विहाय दुगम परघाद चौ अयदे नादे जदु दुभगम न संडित्ति साने ते सिंछेदो वामे चत्तारि चौदसासानि चौदालम ओच्छेदो अयदे जोगिम्मि छत्तीसम। दारिक मिश्र का योग में पुण्य जुदान पर्याप्त युत जो प्रकृति अपर्याप्त युत लेना है, अपर्याप्त युत जो है वह लेना, मतलब अपर्याप्त को लेना है मतलब जोड़ना है, क्योंकि औदारिक आयोग में अपर्याप्त प्रकृति निकाली थी और यहाँ अपर्याप्त प्रकृति का उदय होगा, इसलिए अनुदय में से वो कम होगी, और उसमें न मिस मतलब मिश्र का उदय नहीं, मतलब मिश्र मतलब सम्यक मिथ्यात्व, स्थिनति मतलब स्थानत्रिक स्वरद्विग सरदुगम विहाय दुगम परघात चौ स्वरद्विक व्याहद्विक परघात चतुष्क, और अयदे मतलब असंयत में न आदेज दु दुभगम, उसमें चौथे गुणस्थान में विशेषता है औदारिक मिश्र का योग में कि आदेय और अनादेय और ऐश्य कीर्ति, नादेय मतलब अनादेय लेना, अनादेय और ऐश्य कीर्ति का उदय नहीं होगा और दुर्भग का उदय नहीं होगा, अनादेय द्विक करता अनादेय और ऐश्य कीर्ति और दुर्भग इसका उदय नहीं होगा, और न संडित्ति स्त्री वेद और नपुसक वेद भी चौथे गुणस्थान में नहीं है,
इसलिए दूसरे गुणस्थान में ही उसकी विच्युति होगी। साने तेसिम छेदो, सासादन में उनकी विच्युति होती है जिनका उदय चौथे गुणस्थान में नहीं है उनकी। फिर वामे चत्तारी, वाम मतलब मिथ्यात्व में चार की विच्युति होती है। चौदसा साने, सासादन में चौदह की विच्युति है। चौदालम अयदे, असंयत में चौवालीस प्रकृति की विच्युति है। और योग्य में छत्तीसम, सयोग्य में छत्तीस प्रकृतियों की उदय विच्युति होती है। पुस्तक पैस लगी तो मन तो इस तरह का औदारिक मिश्र का योग बताया है। 315 नंबर की गाथा है। देओ गंबे गुवे न सुराणु पक्की वेच निरयाऊ निरय गदि होंड संडम दुग्गदि दुभग चौनीचम चौ है इसमें वो पाठ भेद है। तो देवोघम बेगुवे, बेकरे का योग में देव के समान है। देव में जितनी प्रकृतियां 77 बताई है वो है सब। न सुरानु, उसमें केवल देवगत्यान पूर्वी नहीं है वो कम करना। और निरयाऊ पक्षी वेज, उसमें नरक कायु निरय गति मतलब नरक गति हुंड संस्थान हुंडक संस्थान संड मतलब नपुसक वेद अप्रशस्त व्यायु गति दुर्भग चौ मतलब दुर्भग चतुष्क दुर्भग दुस्वर अनादेवर ऐश कीर्ति और निज गोत्र ये प्रकृतियाँ 10 प्रकृतियाँ है ये मिलाना है। मतलब जो सामान्य देव की उदय योग्य बताई थी कितनी 77 उसमें से एक कम की, कौन सी देवगत्यानुपूर्वी कम की, क्योंकि वैक्रे का योग होने से यहाँ अनुपूर्वी का उदय नहीं होता है। और नरगति में भी वैक्रे का योग है इसलिए नरगति संबंधी मिलाई उसमें प्रकृतियाँ। तो नरगति में उदय आने योग्य जो देवगति में उदय नहीं होती है ऐसी 10 प्रकृतियाँ हैं। नरगति नरगत्यानुपूर्वी तो लेना ही नहीं है इसलिए नरगति नरकायु हुंडक संस्थान क्योंकि नरक में हुंडक संस्थान ही होता है। अप्रशस्त भी आयोगति ही होती है। और दुर्भग दुस्वर अनादेव और ऐश कीर्ति का ही उदय रहता है और निज गोत्र का ही उदय रहता है इसलिए 2-10 प्रकृतियाँ मिलाएंगे तो वैक्रिक कायोग में 86 प्रकृतियों का उदय रहता है। मतलब तो जितना संक्षेप में कहना उतना संक्षेप में कहते हैं आचार्य। हाँ एक गाथा में सब वैक्रिक कायोग में जो 86 प्रकृतियाँ वो बता दी। अब वैक्रिक मिश्र कायोग में क्या है वो बताते आगे। 315 नंबर की गाथा है। वम वामिसे नमिस पर घाद सर्विहाय दुगम साने न हुंड संढम दुबगाने दुबगना देज अज्ज सयम देज अज्ज सयम। वेगु वम वामिसे वैक्रिक कायोग के समान ही वैक्रिक मिश्र कायोग में है उसमें और प्रकृतियाँ कम करना है जिनका उदय पर्याप्त अवस्था में ही होता है। ऐसी प्रकृतियाँ हैं मिश्र परघात स्वर द्विक व्यायोगति द्विक वही स्वर द्विक व्यायोगति द्विक मिश्र और परघात और कौन सी रह गए साने न हुंड संडम सासादन में हुंडक संस्थान का उदय नहीं क्योंकि दूसरा गुणस्थान नहीं होता है ना अभी उसका घटित नहीं किया अपन ने वैक्रिक आयोग और वैक्रिक मिश्र आयोग का रह गए ना अभी लगाना। परघात दुग लगाना वहां पर इसलिए वो 7 हो जाएगी। मिश्र परघात दुग स्वर दुग और विहाय दुग ऐसा लगाना। परघात उच्छ्वास व्यायोगति 2 स्वर 2 और मिश्र इसे 7 प्रकृतियों का उदय वैक्रिक मिश्र कायोग में नहीं होता है। साने न हुंड संडम सासादन में वहाँ हुंडक संस्थान का उदय नहीं होगा और दुर्भग अनादेय ऐश कीर्ति का भी उदय नहीं होगा क्योंकि दूसरा गुणस्थान वैक्रिक मिश्र कायोग में देवों की अपेक्षा से ही है। नरगति में दूसरा गुणस्थान अपर्याप्त अवस्था में नहीं होता है इसलिए वहाँ वैक्रिक मिश्र कायोग में दूसरा गुणस्थान में ये प्रकृतियाँ उदय में नहीं रहेगी इसलिए उसको अनुदय में डालेंगे
ഉണ്ടക് സംസ്ഥാൻ ദുർഭഗ അനാദേർ ഐശ്വകീർത്തിക്കു ദോ 315 നമ്പർ ഗാഥ പഠി നാ അപ്പം ഞാൻ 316 നമ്പർ കി ഗാഥ ഹൈ ഉസ്മേ ഔർ പഹലെ അപ്പം ഇസ്ക ലഗാതെ തോ ജൽദി സമജ് മേ ആതാ ഹൈ ഉസ്കോ ഗുണസ്ഥാൻവേ വൈക്രിക് കായോഗ് വൈക്രിക് മിശ്ര കായോഗ് ഔർ കാർമൺ കായോഗ് ഈ തീൻ ലഗാന ഹൈ ഇസ്കോ ലഗാതെ ഹൈ പഹലെ വൈക്രിക് കായോഗ് മേ ഉദയോഗ്യ പ്രകൃതി കിത്നി ബതായി 86 ബതായി ഹൈ ഔർ ഉസ്മേ ഗുണസ്ഥാൻ കിത്നി ഹൈ വൈക്രിക് കായോഗ് മേ 4 ഹി ഹോംഗേ तो पहले गुणस्थान में अनुदय सम्यक्त्व और मिश्र प्रकृति इन दो का अनुदय रहेगा क्योंकि यह तीर्थंकर और आहारक द्विक है ही नहीं मूल में तो दो ही अनुदय में आएगी और 86 में से 84 का उदय रहेगा और यह पहले गुणस्थान में उच्छुति केवल एक की होगी ना केवल एक मुत्यात्व की उदय उच्छुति होगी क्योंकि एक केंद्र संबंधी आदि प्रकृति इसमें है ही नहीं तो दो और एक तीन हो जाएगी और यहाँ पर अभी नियम बताया हुंडक संस्थान और नपुसक वेद और ये दुर्भग अनादेय ऐशकीर्ति इनका उदय दूसरे गुणस्थान में नहीं रहेगा क्यों नहीं रहता है तो यहाँ पर नहीं पहले वैक्रिक वैक्रिक आयोग लगा रहे हैं ना अपन हाँ यहाँ तो नहीं करना है कुछ वैक्रिक मिश्र कायोग में बदल होगा दूसरे गुणस्थान में नरक में पर्याप्त अवस्था में तो दूसरा गुणस्थान होता है अपर्याप्त अवस्था में नहीं होता है तो वैक्रिक कायोग की अपेक्षा से नहीं घटाएंगे दो और एक तीन हो जाएंगे 86 में से तीन कम हो गए 83 का उदय आएगा और यहाँ भी नरगत अनुपुरी तो है ही नहीं यहाँ पर अनुपूर्वी का उदय है ही नहीं तो चार अनंतानुबंधी का ही केवल क्या हो गया अनंतानुबंधी चतुष्टय की उदय इच्छुक थी चार और तीन कितने होंगे 7 मिश्र का उदय आने लगेगा तो 6 का अनुदय और उदय 80 का उदय और विच्छुत एक मिश्र की 6 और एक 7 और यहाँ समय तो प्रकृति का उदय आने लगेगा इसलिए 6 के 6 रहेगी 80 का उदय रहेगा और यहाँ विच्छुति जो है 17 में से केवल 13 प्रकृति है क्योंकि चारों अनुपूर्वी नहीं है मतलब जो देवगत्यानपूर्वी नरगत्यानपूर्वी भी नहीं रहेगी और मनुष्य गत्यानपूर्वी त्रिंज गत्यानपूर्वी मूल में से ही निकाली हुई है हा? तो यहाँ पर 13 की उदय विच्छुति होगी अब वैक्रिक मिश्र कायोग में उदयोग्य प्रकृतियाँ भी बताई थी इसमें से 7 कम करना है तो 79 है 7 कम की थी ना मिश्र और दो विहायोगति स्वरद्विक और बरघात और उच्छ्वास एक कम किया था तो यहाँ अनुदय और दरक मिश्र में मिश्र तो पहले निकाली हुई है इसलिए एक समय तो प्रकृति का ही केवल अनुदय होगा क्योंकि इसमें मिश्र का उदय है ही नहीं तो पहले में उसका एक ही का अनुदय होगा उदय 78 का होगा और विच्छुति यहाँ एक मिथ्यात्व की ही होगी एक और एक दो होते हैं लेकिन यहाँ पर स्त्रीवे नपुसक वेद हुंडक संस्थान दुर्भग अनादेय ऐशकीर्ति का उदय नहीं रहता है क्योंकि दूसरे गुणस्थान में अपर्याप्त अवस्था में सासाधन गुणस्थान नहीं रहता है तो वैक्रिक काय मिश्र कायोग में नरगति नहीं है इसलिए हाँ हुंडक संस्थान नरगति नरकायु नपुसक और दुर्भगत इस प्रकार 8 प्रकृतियाँ इसमें और जोड़ेंगे 8 प्रकृतियों का उदय नहीं होगा तो 2 और 8 10 हो गए 10 प्रकृतियों का अनुदय तो यहाँ पर 69 प्रकृतियों का उदय रहेगा और विच्छुति यहाँ दूसरे गुणस्थान में अनंतानुबंधी चतुष्क और स्त्रीवेद हाँ स्त्रीवेद मतलब देवगति में भी मरण करके स्त्रीवेद में पैदा नहीं होगा समय दृष्टि इसलिए स्त्रीवेद की उदय विच्छुति दूसरे में ही होगी क्योंकि चौथा गुणस्थान लेकर के स्त्रीवेद में जाता नहीं ना
कहीं पर भी मिश्र अवस्था या अपर्याप्त अवस्था आते तो वो दूसरे गुण स्थान में ही उसको निकालना। तो यहाँ पर चार और एक पांच के उदय विच्छुति होगी, अनंतानुबंधी चार और स्त्रीवेद। और इसमें वो बताए थे आठ प्रकृति कौन सी, हुंडक संस्थान, नरगति, नरकायु और परघात, नहीं परघात नहीं, हाँ परघात ही बताया था ना, परघात नहीं, दुर्भग, अनादेय और अयशक कीर्ति, ये लगाना निज गोत्र, इनका उदय नहीं रहेगा। तो ये दस प्रकृतियाँ हुई थी। अब चौथे गुण स्थान में इनका उदय आने लगेगा, पहली पृथ्वी की अपेक्षा से है वहाँ पर, तो और समेत तो प्रकृति का भी उदय होगा, तो आठ और नौ का उदय होने लगेगा। तो दस और पाँच पंद्रह होते हैं, लेकिन नौ का उदय यहाँ पर प्रारंभ होता है, इसलिए छः का ही अनुदय होगा और त्रिहत्तर का उदय होगा, और उदय विच्छुत्ति जो है उसमें तेरह की होगी, अनुपूर्व विचार छोड़ करके जो तेरह है उसकी उदय विच्छुत्ति होगी। अब कारमन का योग भी लगाते फिर सब हो जाएगा। आहारक का योग का तो छठे गुण स्थान में जो है वे प्रकृतियां है जो उदय योग्य बताइए, वहां पर आहारक का योग में वही प्रकृतियां उदय योग्य होगी, और आहारक मिश्र भी गुण स्थान एक ही है, इसलिए वहां कुछ उदय विच्छुत्ति वगैरह लगाना नहीं है। उदय और अनुदय बता दिया ना, इकसठ प्रकृति का उदय और उसमें बताया था पैंसठ का अनुदय और उनसठ का उदय। अब यहाँ कारमन का योग, कर्मन का योग में उदयोग्य प्रकृतियाँ एक कोण उदय ना उन्नव नवासी, नवासी बोलेंगे, नवासी प्रकृतियाँ हैं। इसमें गुणस्थान पहला, दूसरा, चौथा और तेरवा होगा। अब इसमें तेरवा गुणस्थान है इसलिए तीर्थंकर प्रकृति भी उदयोग्य है कर्मन का योग में, लेकिन पहले गुण स्थान में उसको अनुदय मिलेंगे। तीर्थंकर और सम्यक्त्व इन दो का अनुदय होगा, सत्यासी का उदय होगा, और विच्छुत्ति यहाँ पर एक नहीं सब आएंगे ना यहाँ पर, हाँ कर्मन का योग है तो वो एक केंद्र भी आएंगे ना इसमें, हाँ अपर्याप्त मतलब शरीर संबंधी तो उदय नहीं होता है यहाँ, इसलिए सूक्ष्म वो साधारण नहीं आएगा। तो मिथ्यात्व, सूक्ष्म और अपर्याप्त साधारण नहीं आएगा, साधारण का उदय शरीर धारण करने के बाद आता है प्रत्येक और साधारण का उदय, इसलिए विग्रह गति में कारमन का योग केवल विग्रह गति में लगाना है। तो विग्रह गति में जीव विपाक की प्रकृति है उनका तो उदय आएगा, लेकिन जो पुद्गल विपाक की है उनका उदय जो है वह शरीर धारण करने के बाद आएगा, इसलिए यहाँ तीन प्रकृति आएगी, मिथ्यात्व, सूक्ष्म और अपर्याप्त। हाँ कर्म जो लब्ध पर्याप्त जीव है उनको जीव विपाक की प्रकृति है ना, तो वहां पर अपर्याप्त का उदय रहता है, जो जीव पर्याप्त है उनको पर्याप्त नाम कर्म का उदय रहेगा। तो पहले गुण स्थान में उनकी तीनों की विच्छुत्ति हो गई। तीन और दो कितने होते हैं, पांच होते हैं। यहाँ कर्मन का योग में वो दूसरा गुण स्थान में मतलब दूसरा गुण स्थान में नरक गति में नहीं जाता है, तो यह नरक गति नरगत्यानपुर नरकायु का उदय नहीं होगा कर्मन का योग में, क्योंकि नरक गति में दूसरा गुण स्थान लेकर जाता ही नहीं ना, तो दूसरे में अनुदय होगा, उदय विच्छुति नहीं होगी अनुदय में आएगा। तो दो और तीन कितने होते हैं, पांच, और यह तीन का उदय नहीं आता है नरक द्वीक और नरकायु का, तो आठ हो जाएंगे, पाँच और तीन आठ। और यहाँ उदय इक्यासी का, और विच्छुति जो है यहाँ पर दूसरा गुण स्थान है तो एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुर, मतलब एकेंद्रादि चार जाति, अनंतानुबंधी चार कश है, एकेंद्रादि चार जाति स्थावर, और इसमें स्त्रीवेद की उदय विच्छुति होगी, क्योंकि यहाँ पर भी विग्रह गति में चौथे गुण स्थान में स्त्रीवेद नहीं रहेगा, इसलिए स्त्रीवेद की उदय विच्छुति। हाँ मतलब जो सामान्य गुणस्थान में वो बताई उसमें केवल स्त्रीवेद जोड़ना तो दस हो गए। हाँ
जो सामान्य गुणस्थान में नौ बताए वो लेना और स्त्री वेद जोड़ना उसमें केवल दस। हाँ दस और आठ अठारह होते हैं, लेकिन यहाँ वापिस नरगति नरगत्यान पूर्वी और नरकायु का उदय आता है और संयुक्त प्रकृति का उदय आता है, तो चार का उदय होने लगेगा। तो क्या हो जाएगी यहाँ पर, दस और आठ अठारह होती है, उसमें से चार का उदय आना लगा तो चौदह अनुदय में से चार कम हो जाएगी, तो चौदह प्रकृतियों का अनुदय रहेगा और उदय जो है वह पिचहत्तर का रहेगा। और उदय छत्ते चौथे में से लेकर के आगे जो है सब गुणस्थानों की जितनी रह गई है वहाँ पर शेष है वो प्रकृतियों की उदय छत्ति होगी। चौथे गुणस्थान की पंद्रह प्रकृतियाँ नरक द्वीप को छोड़ करके, क्योंकि यहाँ इसमें नरक द्वीप नहीं है ना, कर्मन कायो नहीं आ के वैक्रेक द्वीप के बिना वैक्रेक शरीर और वैक्रेक अंगोपांग का उदय नहीं है ना, अपने सब निकाल लेते हैं ना उसमें, अवतारिक द्वीक वैकरिक द्वीक आहारक द्वीक संस्थान छे ये सब निकाली हुई है प्रकृतियाँ, कर्मन का योग में इनका उदय नहीं होता है, इसलिए सत्रह प्रकृतियाँ जो थी उसमें वैकरिक द्वीक था तो कम हो जाएगा, मतलब वो उसका उदय नहीं रहता है, इसलिए पहले कम की हुई है। तो चौथे गुणस्थान की पंद्रह प्रकृतियाँ, पाँचवे गुणस्थान की उसमें से एक उद्योत का उदय है नहीं, इसलिए सात प्रकृतियाँ होगी। आहारक द्विक निकाला हुआ है इसलिए छठे की वो भी पहले निकाली हुई ना स्थान गुरुद्धि त्रिक, उसमें कुछ नहीं रहेगी, स्थान गुरुद्धि त्रिक भी मूल में से निकली हुई है वो नहीं रहेगी। फिर आठवा सातवें की चार है न सम्यक तौर ये तीन संवनन वो भी निकाली हुई है ना, संवनन भी नहीं है ना वहाँ पर, इसलिए वो आठ सातवें की भी नहीं आएगी, एक ही रहेगी। सातवें की एक सम्यक्त्व रहेगी केवल, आठवें की छह नौकश है, इसमें स्त्री वेद की उदय इच्छति पहले की है इसलिए सात आएगी, हाँ पांच आएगी, पांच छह में से एक गम हुई तो पांच। नवे गुणस्थान की नहीं नहीं ये छठ आठवें की तो छह रहेगी ना, हास्य रति आरति शोक भय जुगुप्सा, नवे की जो छह उसमें से कम करेंगे तो पांच होगी। दसवें की एक, बारहवें की सोलह नहीं, ग्यारहवें की सो दो, वो सवनन तो लेना ही नहीं है, तो बारहवें की सोलह इतनी प्रकृतियों की उदय छुट्टी होगी। पंद्रह और सात बाईस और तेईस और छः उनतीस और पाँच चौंतीस पैंतीस और सोलह इक्यावन प्रकृतियों की यहाँ बराबर है क्या उदय उच्चति होगी। तो तेरहवे में इक्यावन और चौदह कितने होते हैं पचपन, लेकिन तीर्थंकर उदय हाँ इक्यावन और चौदह पैंसठ होते हैं, लेकिन यह तीर्थंकर प्रकृति का उदय आने लगता है इसलिए एक कम करेंगे तो चौंसठ प्रकृतियों का अनुदय होगा और शेष बची हुई 25 प्रकृतियों का उदय और 25 प्रकृतियों की यहाँ पर उदय विच्छुत्ति होगी। इस प्रकार कर्मन का योग में है स्थिर द्विक शुभ द्विक अगुरु द्विक वेदनीय की एक और चौदह गुणस्थान की 12 प्रकृतियाँ, ये सब मिलाकर के 25 प्रकृतियाँ वहाँ रही है तेरहवें गुणस्थान में। इसमें गाथा पढ़ते केवल वैकरिक और वैकरिक आयोग के बताए थे, वैकरिक मिश्र आयोग की गाथा लेते हैं। 315 गाथा हो गई थी, उसमें वैकरिक मिश्र आयोग में उदयोग्य प्रकृतियों का नाम बताया था। हिरय गदि आउनीचम ते खेतय देवणिच थी वेदम छठ गुणम वाहारे नथी नथी असंड थी वेदम। दूसरे गाथा में बता रहे कि निरगति नरकायु निज गोत्र ते खित मतलब उसको शेपण करना और आयदे अवनिज असंयत में वापिस उसको निकालना मतलब वो उदय में आएगी तो अनुदय में से कम होगी,
मतलब दूसरे गुणस्थान में इनका उदय नहीं होता है इसलिए उसको अनुदय में डालना, और चौथे गुणस्थान में वापिस उसको उदय में लेना है। अवनि जथी वेदम, स्त्रीवेद जो है उसका उदय दूसरे में गुणस्थान में उसकी उच्छित्ति हो जाएगी ना। छठ गुणम व आहारे, आहारक द्विक में छठे गुणस्थान के समान है। न थी नत्य संड थी वेदम, उसमें स्त्यानत्रिक न पुसक वेद और स्त्रीवेद नहीं है। मतलब यहाँ तक ऊपर डेढ़ गाता में वैकृत मिश्र का बता दिया और ये आधी गाता में आहारक द्विक का बताया, मतलब आहारक का बता दिया है। और भी बताएंगे ना आगे। आहारक कायोग में खाली बताया कि उसमें स्त्यान वृद्धि त्रिक नपुसक वेद और स्त्रीवेद नहीं है, और उसमें आगे और बताते हैं आहारक कायोग का, अभी पूरा नहीं हुआ इसमें, क्योंकि उसमें 20 कम करना है ना, 81 में से 20 कम करना है, तो उसमें केवल अभी 5 प्रकृतियां बताई, अब आगे और प्रकृतियां बताते हैं। 317 नंबर गाता है। करिम पंच संठाणम ते तम से सुसर परघाद दुसत्थ गदिहीना, ये बताते कि आहार कायोग में जिनका उदय नहीं होता है, दुर्गति मतलब दुर्गति मतलब अप्रशस्त भी आयोगति, दुस्वर संवदे मतलब संवनन छव संवनन, औदारिक द्विक, चरिम पंच संठाणम अंतिम 5 संस्थान, ये इनका उदय नहीं होता है औदारिक कायोग में, तो ये 20 प्रकृतियाँ कम हुई। और ते तम मिश्र, तन मिश्र मतलब आहारक मिश्र कायोग में वे ही 61 प्रकृतियाँ, उसमें केवल और 4 कम करना, सुस्वर परघात दु मतलब परघात और उच्छ्वास और प्रशस्त भी आयोगति, ये 4 प्रकृतियाँ और उसमें उदय में से कम करना, तो यहाँ पर 57 प्रकृतियों का उदय रहता है आहारक मिश्र कायोग में, और गुणस्थान छठा ही होने से वहाँ पर उदय विच्छुति वगैरह नहीं है। अब कारमान कायोग में बताते दो गाथाओं के द्वारा। कम कम में सरगदे पत्ते हारुराल दुगमिसम उवघात पण विगुवदु थीनति संठान संहदि नथी। कौन कौन सी प्रकृतियाँ निकालना है वो बता रहे हैं। सरगदी मैंने दुग लगाना सबको, सर दुग गदी दुग पत्ते दुग आहार दुग उराल दुग औदारिक द्विक मिश्रम और मिश्र आयोग में स्वर द्विक दुग सबको लगाना, स्वर द्विक गति द्विक मतलब प्रशस्त प्रशस्त व्यायोगति प्रत्येक प्रत्येक साधारण शरीर, आहारक द्विक मतलब आहारक शरीर आहारक अंगोपांग औदारिक द्विक मिश्र उपघातपण मतलब उपघात 5 उपघात परघात आतप उद्योतर उच्छ्वास वैक्रियक द्विक वैक्रियक शरीर वैक्रियक अंगोपांग थीन ती स्त्यानत्रिक संतान संवधि 5-6 संस्थान और 6 संवनन इनका उदय नहीं है, तो ये 33 प्रकृतियाँ अनुदय रूप है, तो वहाँ पर 89 प्रकृतियों का उदय रहता है। अब उसमें जो गुणस्थान की अपेक्षा से विशेष है वो बता रहे हैं। यह शंका करने शंका भी की है कि अनादिकालीन संसार में विग्रह गति हो या अविग्रह गति हो, हमेशा कर्मण शरीर तो निरंतर उसका उदय रहता है, फिर आप केवल विग्रह गति में ही कर्मण का योग है ऐसा क्यों कहते हैं। तो बताए कि विग्रह गति में कर्म ऐसा कथन क्यों किया है, तो सिद्ध होते हुए भी जो विधि आरंभ की जाती है वह नियम के लिए होती है, यहाँ मतलब विग्रह गति में कारमण का योग ही होता है, अन्य कोई का योग या अन्य कोई भी योग नहीं होता है, यह नियम के लिए यहाँ पर बताया है कि अन्य योग नहीं है, दूसरा कोई भी योग विग्रह गति में नहीं होता है। हाँ, कोई गोष्ट सिद्ध है लेकिन फिर भी बताई जाती है, क्यों बताई जाती है कि नियम के लिए, मतलब उसमें वही है अन्य कोई भी नहीं, ये नियम बताने के लिए कहा जाता है, यह हमेशा आता है ये सूत्र।
सिद्धे सति आरभ्य मान विधि नियमाय। विग्रह गति में पांचला कर्मन का योग में पहला दूसरा चौथा तेरह गुण स्थान है, उसके अपेक्षा से विशेषता बताते हैं। 319 नंबर का आता है। यदु निरया उगम तियदसयम इगिवन्नम पणवीसम मिच्छादिषु चौषु उच्छेदो। त्रिवेद की विच्युति हो जाती है क्योंकि आगे स्त्रीवेद का उदय नहीं है। पहले और दूसरे गुणस्थान में ही विग्रह गति में स्त्रीवेद का उदय है, इसलिए दूसरे में उसकी विच्छुति की। फिर निरयदु निरयाउगम न नरगति नरगत्यानुपूर्वी सासादन गुणस्थान में उसका उदय नहीं है, इसलिए उसको अनुदय मिलेंगे केवल। और न तियदसयम और तीन प्रकृतियाँ दस दस प्रकृतियों की विच्छुति होगी वहां पर दूसरे गुण स्थान में। मिथ्या दृष्टि में लगाना है, उक्रम से लगाना है। मिथ्या दृष्टि में तीन मतलब मिथ्यात्व सूक्ष्म और अपर्याप्त, इन तीन की विच्छुति है। दूसरे गुण स्थान में दस की विच्छुति है और चौथे गुण स्थान में 51 मतलब 51 की विच्छुति है और तेरहवें गुणस्थान में पणवीसम मतलब 25 की विच्छुति। तियदसयम इगिवन्नम पणवीसम ऐसे चार गुणस्थान में क्रम से लगाना है। मिथ्यादिषु चौषु उच्छेदो मिथ्यात्वादि चार गुणस्थानों में मतलब मिथ्यात्व सासादन असंयत और संयोग केवली, इन चार गुणस्थानों में क्रम से 3 10 51 और 25 प्रकृतियों की विच्छुति होती है। अब यहाँ वेद मार्गना प्रारंभ होती है, बस करते हैं। ओम जानी यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ, इस कर्म के झमेले में अपनी सत्ता को नहीं भूलना है। कर्म को अपने से भिन्न करने के लिए ही कर्म को जान रहे थे। कर्म की सत्ता कर्म में है, मुझ में नहीं है। कर्म मेरी सत्ता को बिगाड़ नहीं सकता है। किसी भी प्रकृति का उदय आए, मेरी सत्ता तो शाश्वत है, ध्रुव है, चैतन्य स्वरूप है, उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं है, निराबाद है, निर्विकार है, निर्व्याघात है। जानिए अपनी सत्ता को देखकर संतुष्ट हो जाइए। कर्म के उदय का भी अस्तित्व है, उसको केवल जानना है, अपने से भिन्न जानना है। अपनी ज्ञान रूपी छन्नी के द्वारा इस कर्म को और अपनी सत्ता को न्यारा कीजिए। है भिन्न ही है, चिन्मात्र स्वरूपो कर्म रहित निष्कर्म स्वरूपो स्वस्थ स्वरूपो असंयुक्त स्वरूपो अबद्ध स्पृष्ट स्वरूपो शुद्धो एको ध्रुवो। विसर नमो अरिहंताणु
नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्ञायाणं नमो